अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। काम सबमिट कर दिया आपने? जी जी मैंने तो मैम पूरे 12 बजे कर दिया था। दैट्स गुड। हर चीज का एक टाइटल होता है ना? जी जी। जिस तरह आप एसेज लिखते हैं और टाइटल देते हैं केस स्टडीज के, आपके अपने अपने टाइटल, बिकॉज़ यू गाइस पिक अप डिफरेंट केस स्टडीज टाइप। सिमिलरली योर प्रोफेशनल वर्क आल्सो हैज टाइटल्स। तो आप एड एजेंसी में तो यू कैन नॉट सबमिट योर वर्क टू द क्लाइंट विदाउट गिविंग द नेम और द टाइटल टू द टीवीसी एंड ड्यूरेशन एक्सेट्रा। यू ऑल्सो हैव टू टेल विच फॉर्मेट यू बी यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन यूज 35mm फिल्म फॉर शूटिंग द टीवीसी, व्हाटएवर यू यूज हैज एन इफेक्ट ऑन द कॉस्ट। These are the things that you need to think about, because in professional life, if you are not adding all this information to your work, so it will create a problem for you and for the client presentation. It should be lucky if it is not professionally presented and you are enrolled in a professional program. So it's extremely important that you add necessary information, right? How much time did it take for you to note down the details? मैम आपने जैसे डेडलाइन दी हुई थी द वेरी नेक्स्ट डे, तो फिर वो दो दिन तो उसी में लग गए थे। जैसे 8th को हमारी क्लास थी, एंड यू वर लाइक कि 9th को मुझे सबमिशन चाहिए, तो ऑब्वियसली वी हैड टू डू इट इन दैट टाइम स्लॉट। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास आई मेंशनड के अर्लियर यू डू द कॉपी पार्ट द बेटर। सो बिकॉज़ आई न्यू दैट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कॉपी विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, because you have to replay it again and again to properly hear what somebody is saying or what appears on the screen. So details take time, you know. Frame capturing will not take very long, but formatting will take long, because you have to present your work in a, you know, presentable style. Especially in advertising, it should look good. कैसा लगा? डिड यू डू इट वेल? आपकी अभी मैंने देखी तो नहीं है, आपकी सबमिशन पहले मैंने रखी थी मिडनाइट तक, देन आई रिसीव्ड एन ईमेल रिक्वेस्टिंग के जी आप इसको मॉर्निंग तक एक्सटेंड कर दें। आई चेक्ड, बाय देन 21 पीपल हैड ऑलरेडी सबमिटेड वर्क, सो बेसिकली वी वर गुड विद टाइम। आई थिंक 21 पीपल सबमिटेड बाय मिडनाइट, मोस्ट हैड फॉलोड द डेडलाइन। आपकी असाइनमेंट भी हमारे मेरिट के बराबर ही होती है? बिकॉज यू गेट मार्क फॉर एवरीथिंग। इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट यू वर नॉट क्रिएटिंग समथिंग, बट यू वर लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स एंड हाउ टू फॉर्मेट यू नो योर प्रेजेंटेशन। व्हाट एल्स डिड यू लर्न ड्यूरिंग दिस असाइनमेंट? यही कि अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना। मैम सो बेसिकली learn that how many type of shots we actually can identify, how many probably observation, that how much we observe in a like scene, kya kuch miss kiya, aur yeah so kafi kuch. what does missing mean? As in like कि हम सीन के अंदर हमने क्या मिस कर दिया, शायद हो सकता है जब आप हमारी साइन चेक करें तो हो सकता है वी प्रॉब्ली हैव मिस्ड आउट समथिंग। सो जब प्रॉब्ली फीडबैक आएगा तो हमें पता चलेगा प्रॉब्ली हम ये चीज़ इम्पोर्टेंट शायद भूल गए थे लिखना, यू नो। तो जितना हमें समझ आया तो हमने उतना कर दिया, और बाकी मैम कुछ थी कंफ्यूजन तभी भी असाइनमेंट करते हुए, बट जैसे सीन के अंदर जब मैंने असाइनमेंट सबमिट करा दी, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि अच्छा ये सीन चल रहा था तो मुझे पूरा लिखना था, अच्छा मुझे डायलॉग ये किस तरह लिखने थे, फिर आई जस्ट सेड कि वंस यू सेंड इन द फीडबैक तो फिर आई विल जस्ट रिवाइज इट, ताकि मुझे थोड़ा समझ आ जाए, आई कैन गेट अ बेटर पिक्चर अबाउट व्हाट आई हैव डन wrong or probably incomplete, something like that. All right, so this is your assignment, right? Can you see the assignment? Yes, ma'am. Okay, is this supposed to be your storyboard? No ma'am, this is the copy. Storyboard is the other file. So why are you adding frames in the copy?
आपने कॉपी को कॉपी की प्रेजेंटेशन डिवाइड की है ना, यू हैव अ लेफ्ट कॉलम एंड अ राइट कॉलम. यस मैम. आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स कैन लुक डिलिशियस और यहाँ पे आपने लिखा है टेक्स्ट रिटन ऑन द स्क्रीन. आई लेट मी ओपन द असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम. ओके सो असाइनमेंट टू हैज इंस्ट्रक्शंस एंड इट हैज नेम्स ऑफ पर्संस who have been assigned tasks and at the end it also has an attachment. Can you see this attachment? Yes ma'am, I did see this, but you said in the end of this assignment that presenting it is up to you. So I was frame by frame wala cheez jo hai jab ye likha hua tha the kid is speaking to for isliye par maine likha ki jo text nazar aa raha tha aur jo text jo hai wo sunai de raha tha chahe wo repeat ho raha tha, so that's why I identified it separately. Okay, you know ke aapne jo yahan pe ki formatting, this type of formatting will take longer. Is it so? जी मैम, टाइम लगा था जी फॉर्मेट के अंदर जी, बिकॉज वो हर चीज जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में था वो डिफरेंट था, और क्योंकि वो एक चीज, बिकॉज व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड इट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लाइक व्हाट आई एम लिसनिंग एंड व्हाट इज रिटन, सो मैं एक ही जगह दोनों चीजें किस तरह लिखूं, सो दिस इज व्हाट आई केम अप कि इस तरह मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, तो फिर मैंने हर चीज अलग अलग कर दी थी. Right. That was it. I mean, so I thought ki when you give the presentation looks nice, formatting zahir badi achhi lag rahi hai. So what I'll do, I'll also download the storyboard or we will go through both of them. Okay, if you remember, I had said in last class that copy wise what I exactly need is just the copy. Muhammad Ahmed Hafiz submitted first. All right, so when he submitted, his assignment was looking like this, right? जी ma'am. जी बिल्कुल. Underneath this, he has provided a key. जी ma'am. So by looking at key, you know, ST means screen text, and POSS means person on screen speaking. IBM yes, brand emphasis ya logo, whatever he meant by brand emphasis, he probably meant ke IBM developed a logo for this particular campaign, so the logo also appears on the screen. He developed his own method of presenting copy, and I have no problem with this type of presentation because he provided the key that says screen text, that says person on screen speaking, right? So we know ke what creative director was thinking when he wrote this copy. If you remember, I had said that client service executive brings the job to the agency and job is handed over to creative director or creative copywriter, creative managers, etc. The managers write the copy. Yes, ma'am. And then when copy is finalized, creative department starts developing it into visuals and images into a campaign. Creative process follows the copywriting process. So when you get the copy, aapne do cheeze present ki hai, so this would be the first one. The first thing that Muhammad Ahmed presented. Maine isme sirf itni change ki thi ki I suggested to him ke I just need this. So Muhammad Ahmed submitted first, so I said ke this is all I need, just say on top IBM flashing zebra crossing, which is the title. Yes. IBM flashing zebra crossing is the title of this case study, not the case study in paper form but the case study in video form. So on the top it has IBM zebra crossing, it's underneath it says case study video, and after that it says copy, which means ke first task by the creative director is completed at this stage. I suggested ke on top just write kind of one liner ya synopsis, right? The copy follows, write
आफ्टर कि दिस इज ऑल आई नीडेड कॉपी वाइज बिकॉज व्हेन यू ब्रिंग द जॉब टू द एजेंसी जो आप क्रिएटिव डायरेक्टर है क्रिएटिव डायरेक्टर एक्चुअली डज नॉट स्टार्ट डिवेलपिंग इमेजेस राइट अवे ही कंसीव्स द आइडिया फर्स्ट राइट So this is something which is developed at much later stage. Somebody is very organized and he is thinking about text and images simultaneously. ठीक है? Best would be to start here कि आप सिर्फ copy लिख लें. Copy लिखते हुए you are trying to conceive what you will show on screen. Okay? तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना mention किया कि यहाँ पे you would see कि this IBM ad involves kids who will be presenting ideas how to make zebra crossing safer. आपने जब ये पढ़ा तो उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि what kids were saying जो उन्होंने जब उसके साथ एक छोटी सी workshop की and then children presented these ideas और इस पूरी जो भी activity थी उस activity को they developed that activity in the case study video form. ठीक है? तो मैं आपसे ये कही थी कि आपको रियली यू ओनली नीडेड दिस कॉपी वाइज और उसके बाद जब कॉपी लिख ली क्रिएटिव डायरेक्टर ने तो क्रिएटिव डायरेक्टर फॉरवर्ड द कॉपी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट डिपेंडिंग इफ यू नीड द कैंपेन दैट इंक्लूड्स आउटडोर होर्डिंग्स पोस्टर्स बंटिंग्स TVC etc. तो जो TVC part है that goes to creative director, audiovisual या audiovisual department and then they start developing this kind of images. अच्छा मैंने जो आपको task दिया था अस्मा आपने ये file जो है have you developed it in word file या ये word की PDF है या it's PowerPoint presentation? No ma'am, it's Canva. The best part is कि आप use कर रहे हैं frames of equal sizes. मैंने आपसे I'm very happy to see कि आपकी frames में बड़ी consistency है, right? Storyboard part. मैं वो चीज़ वजह से थी because the app helped me with placing things in the right place and on the text as well. So yeah, that's why I chose Canva to do this assignment. अच्छा वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू शेयर द टेम्पलेट विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स या नो श्योर ठीक है अच्छा प्रॉब्लम हां बिकॉज़ इससे मैं ये देख रही हूं कि प्रेजेंटेशन काफी इट्स लुकिंग वेरी नाइस और फ्रेम्स को देखना बड़ा आसान है हालांकि द फर्स्ट टू फ्रेम्स लुक वेरी सिमिलर ओके मैम वो एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड विद इट तो यही वाली एक्चुअली कंफ्यूजन थी कि जब सीन के अंदर इसलिए मैंने वो स्लैश करके फ्रेम डाल दिया क्योंकि वो एड स्टार्टेड एंड देन द टेक्स्ट एंटर्ड तो वो मुझे चीज एक्सप्लेन करनी थी तो वो चीज जो है ना वो मुझे समझ नहीं आई थी देन आई जस्ट वेंट बाय जब मैंने आपसे बात कर ली थी तो फिर मैंने फ्रेम्स डिटेक्ट करना शुरू कर दिए थे एंड देन फाइनली आई गेस 36 फ्रेम्स अब व्हेन आई इनिशियली टॉक टू इट वाज अराउंड आई गेस 47 49 एंड देन आई रिड्यूस इट टू 36 बट व्हाट आई मीन कि आई कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेम्स फॉर इंस्टेंस इसमें आपने you just have the top right uske baad you are seeing the text that starts appearing on the screen phir third mein kuch aur text hai fourth mein koi aur text hai you know there are small differences and it's making it look beautiful nahi aapko lag nahi raha ki aapka ye storyboard all of a sudden it has become very beautiful yes ma'am it's more easy to you know understand agar mai jaise aap kehte hain kisi ko do So it was easy, and actually one of the seniors actually suggested me to probably you know Essen. He suggested me to make it in Canva. So yeah, I just had that thought, so I made that in Canva. Okay, good. Yeah. All right. Share it with everyone, right? ठीक है मैम, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ. ये जो second beauty है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपकी ये इन दो frames में जगह है in the last frame. That जो आपकी formatting है it's very consistent from the very first frame to the last frame आप देख रहे हैं flawless formatting है from ma'am so basically the Canva has an option of picking a template of storyboard
सो आई पिक दिस वन पर्टिकुलरली. कुछ फ्री होते हैं कुछ आप इफ यू हैव अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप तो आपको वो ज्यादा एक्सेस दे देते हैं. सो इट वाज वन ऑफ द फ्री टेम्पलेट. सो ये ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं स्टोरी बोर्ड और सारा कुछ लिखा होता है एंड वी जस्ट हैव टू लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप आवर सीन. सो वो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी. आई डिडंट हैव टू लाइक रीसाइज और एनीथिंग. सो इट एक्चुअली कट डाउन अ लॉट ऑफ माय टाइम. मैं सजेस्ट करूंगी जहाँ पे हमने असाइनमेंट पोस्ट की है यहाँ पे यू सी सेमिनार क्लासरूम में ये असाइनमेंट पोस्टेड है तो यहाँ पे आप शेयर करें. यू कैन सी कि ये पब्लिक एरिया है और बाकी ये जो है ये प्राइवेट एरिया है यू नो. तो असाइनमेंट्स अपनी प्राइवेट एरिया में सबमिट करें एंड सबमिट something which is useful for everyone, just post it in the public area. ठीक है? तो आप यहाँ पे post कर दें. Asan Tai did it manually. ठीक है? यही है आपकी? Asan? मैम निशान बोल रहा हूँ. मैंने भी manually इसी तरह की थी जिस तरह अस्मा ने की हुई है. इसी तरह का layout है मेरा भी. अच्छा तो आपने फिर ये देखें ये Asan ने manually की. So what he has done, he has divided it into four columns. आप देख रहे हैं पहले कॉलम में उसने लिखा सीन, सेकेंड कॉलम में उसने लिखा ऑडियो, थर्ड में उसने लिखा वीडियो एंड द फोर्थ कॉलम इज सेइंग एनी काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट. हालांकि ये वाला भी ऑडियो का एक कॉलम यहाँ पे मौजूद है राइट. आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियो के ऑडियो को उसने एक इधर कॉलम में डाला है सेकेंड कॉलम फ्रॉम लेफ्ट. And then he has the fourth column that has more information about different kind of effects. Jisme voice over bhi keh raha hai with slow playing, piano playing at the background. Theek hai? Asan has tried very hard ke images should be of the same size. Aap dekh rahe hai? Size here. To aapka second and first frame mein bada mamooli sa fark nazar aa raha hai. Ho sakta hai because I have not downloaded it. There is a possibility ke this difference is seen because I am opening it online. Agar download kar lungi to shayad ye nahi hoga. Aur dusra visual frames mein Asan ne between one frame one and frame two koi jagah nahi chhodi. Aap dekh rahe hain ye non-stop chal raha hai when I go down. Jabki ye jo tha ye wala ye aap you clearly see frame 1, you clearly see frame 2 or frame 1 and 3 for instance upar niche hain. Frame 4 is under frame 2 lekin 2 and 4 have jo hai usko Asma did not try ki unko aapas mein jod de right. यहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए हैं इन फ्रेम्स के बीच में राइट इन द सेंटर देयर शुड बी सम स्पेस ताकि आप उसको क्लैरिटी के साथ देख सकें राइट. Asan आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? जी मैं सुन रही हूँ. मैम आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑन गूगल. यू शेयर्ड द लिंक हियर. एक्सक्यूज मी मैम. मैंने भी मैनुअली की थी. मैम मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने ना मतलब टर्न इन जब किया था लेकिन द फाइल वाज रियली हेवी लाइक 116 MB अराउंड थी. तो आई डोंट नो वो प्रीव्यू होगी कि नहीं. आई हैड दिस टेम्पलेट लेकिन मैंने फोटोशॉप में उसमें काफी चेंजेस किए थे. तो अगर आप देख लें कि वो डाउनलोड होके आपके पास आ जाती है मेरी फाइल. उसका इंट्रो पेज भी डिजाइन किया था खुद वगैरह तो उसमें काफी मतलब एड ऑन्स मैंने बहुत ज्यादा किए थे टेम्पलेट के अंदर तो इस वजह से वो हेवी फाइल बनी है. आई मीन गुड पार्ट इज के यू हैव गिवन मी द लिंक्स हियर. ठीक है. सो इन एनी केस ये यहाँ से आई विल डाउनलोड इट फ्रॉम वेयर एवर इट इज. इट इज इन ये आप कह रही है ना यहाँ पे है ये. यस मैम. तो अब ये यहाँ से आपके ये शुरू हो रहे हैं. So, you have made it into two columns, left column, right column.
ये भी अच्छी है, इट्स नाइस, यू नो, प्रेजेंटेशन बड़ी कलरफुल है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है. ये सबसे इजी है, इट्स इजियर, इजीएस्ट. आप देख रही हैं, वाज देयर एन ऑप्शन टू हैव ओनली वन फ्रेम एट अ टाइम? मैम, दिस वाज अ टेम्पलेट, आई कुड हैव यूज्ड वन. ये जो टेम्पलेट में था वो चार फ्रेम्स एक पेज पे थे, तीन भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स. स्टोरी बोर्ड में काफी टेम्पलेट्स आपको ऑप्शंस आती हैं. यहां आई सी फोर फ्रेम्स एट अ टाइम. यस मैम, यू नो विद माय ग्लासेस आई कैन स्टिल रीड इट. ठीक है. Also, ma'am, the text size can be varied, and it has a lot of options. Probably most of the people have used Canva some point at a time. Unko pata hota hai ki maine font different use kiya, dusra font use karo, to wo aap like bada chota kafi. It has a lot of options, so yeah, it's easier to use. Jo Aktuba ne kaam kiya, yes, it's really nice, but it takes a lot of time because individually, doing the whole designing and thing. So it takes a lot of hassle. हाँ, ये है कि मेरे पास जो टेम्पलेट था मैम, वो बिल्कुल काफी चीजें, ये होता है कि वंस यू यूज यू मेक अ टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस, जैसे मुझे जो मिला हुआ था उसमें काफी चीजें थी, आई हैड टू रिमूव इट, चेंज द बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू माई लाइक टेस्ट, या जो भी मेरा असाइनमेंट थी उसके अंदर ब्लू बैकग्राउंड था, वो आप एक दफा चेंज कर लो, इट्स इजियर टू पुट थिंग्स एंड देन गो अबाउट योर असाइनमेंट. हां, टूबा इज प्रेजेंटिंग टू सीन्स ऑन वन पेज. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके टू सीन्स हैं. यस मैम, ये टू एट अ टाइम. Exactly, I use Photoshop क्योंकि it totally depends on the choice, क्योंकि मैं already designing stuff में हूँ, तो canvas is great. हाँ, exactly, great for मतलब beginners, या उसमें it's really easy to use. तो मैं already Photoshop, Illustrator वगैरह मतलब I use it, तो इसलिए मैंने फिर इसी में ज़्यादा किया और इसी पे workout किया. Like even the हाँ जी, the front page I designed it myself, क्योंकि उसका मतलब मुझे था कोई simple नहीं करना and all that. तो इसलिए फिर मैंने इसी पे किया था. फ्रंट पेज इज वेरी नाइस. सिर्फ आपके फ्रंट पेज का ये आप देख रही हैं कि ये आपका स्लाइड साइज इज डिफरेंट यहाँ पे ना, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस. आप इसको बाकी सारी की सारी आपकी प्रेजेंटेशन इज ऑफ द सेम साइज. ये जो आपने फ्रेम्स ऑफ इक्वल साइजेस डाले हैं, इस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बिकॉज आई थिंक के एवरी टाइम यू विल बी डिसाइडिंग कि ओके दिस शुड बी द साइज ऑफ माई फ्रेम, राइट? आपको फोटोशॉप में तो मैन्युअली करना पड़ रहा है. Aren't you doing it manually in the Photoshop? Yes, ma'am. वो exactly. मैंने पहले सारा कुछ इसमें वो उसमें वर्ड पे किया था, और फिर जब टेक्स्ट वगैरह भी आई कॉपी पेस्टेड देयर उसमें. अच्छा अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है. आप देख रहे हैं कि इन 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 योर राइट कॉलम आपने जो टेक्स्ट डाला वह है, उसके लिए आपने सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेटिंग यूज की. अस्मा आल्सो यूज्ड यू नो लाइक सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट पुटिंग कॉपी. व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट? मैम, हम लोग जब पहले भी किसी भी वीडियो शूट से पहले भी मतलब व्हेन आई यूज्ड टू मेक द स्टोरी बोर्ड्स, तो आई हैव बीन टॉट ऐसे ही मतलब आई डिडंट यूज टू मेक लाइक डिफरेंट फॉर द वॉइस ओवर स्टफ, और उसमें वी यूज टू डिस्क्राइब द होल सीन उसी एक मतलब उसमें जिसमें अब वॉइस ओवर भी इंक्लूड हो रहा था एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द सीन, वो भी सारा उसी में डाल उसी में आ जाता है उसी डिस्क्रिप्शन में. मैम, कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन जी. मैम, एक्चुअली आई हैड अ लिटिल कंसर्न, ये जो कैनवस और ये चीजें हैं और फ्रेम साइज या मिडिल में लिखना था या इनिशियली, ये चीज़ें हमें अभी पता चल रही हैं, मतलब वी डिड ऑल द वर्क एंड एवरीथिंग. तो अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि हमें कौन सा यूज़ करना है ऐप या व्हाटएवर द फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, तो हम सब भी वो यूज़ कर लेते. अब एग्जैक्टली मैम, आप फीडबैक का इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर अस. अगर यही हमें थोड़ा सा पहले गाइडेंस मिल जाती तो वी कुड हैव डन something similar to it as well. मतलब मैम, हमें कुछ भी नहीं पता था कि सीन मिडल में रखना है, पावर पॉइंट पे बनाना है, वर्ड पे बनाना है या किधर बनाना है. तो वी जस्ट डिड जो हमें समझ आया उसके अकॉर्डिंगली. मतलब मैंने तीन चार अपनी ही जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी देखी है, तो एवरी वन डिड समथिंग अपनी तरफ से वर्ड पे. तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा था इफ माई वर्क इज राइट और नॉट.
तो अगर मैम अगर थोड़ी सी ब्रीफ पहले मिल जाती बिफोर डूइंग द असाइनमेंट दैट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ के असाइनमेंट जब सबमिट हम टर्न इन कर दें एंड देन वी गेट फीडबैक तो दैट्स अ लिटिल अनफेयर ऑन आवर पार्ट क्योंकि हमने ऑब्वियसली पहले नहीं ये चीज की हुई सो वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लिटरली समझ भी खुद ही रहे थे हम अपने आप को टीच भी खुद ही कर रहे थे हम जो भी नई चीजें हैं वो भी खुद ही इंट्रोड्यूस करवा रहे थे सो दैट वाज अ लिटिल कंसर्निंग ओके सुंदर वर यू प्रेजेंट फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ लास्ट क्लास यस मैम यस मैम अगर इफ यू वर प्रेजेंट फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ लास्ट क्लास तो हम जब देख रहे थे सैंपल वीडियोस इन गूगल क्लासरूम तो आपसे मैंने कहा था कि यहाँ पे लाइब्रेरी में यू सी डिफरेंट वीडियोस ऐसा ही है बिल्कुल ठीक है और जब मैंने आपसे ये वीडियोस डिफरेंट वीडियोस जब हमने खोले थे फॉर इंस्टेंस लेट मी ओपन दिस वीडियो आई हैव बीन वेरी क्लियर कि आप एक साइज के फ्रेम्स यूज करेंगे आप देख रही हैं कि ये मैंने आपसे कहा था कि फ्रेम्स जो हैं टीवी फ्रेम्स डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग मैंने आपसे कहा था कि टीवी फ्रेम इज नॉट स्क्वेयर एट वन पॉइंट एंड रेक्टेंगल एट अनदर पॉइंट आपसे मैंने कहा था कि आपकी स्क्रीन्स के साइजेस नहीं चेंज होते तो मैंने गूगल लास्ट क्लास कंडक्ट करते हुए ये बात कही थी कि यूज वन फ्रेम विच represents the proper screen size ठीक है उसके अलावा मैंने आपसे last time ये भी कहा था कि ये आप left alignment use अगर कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो title लिखा हुआ है I said ये जो first two letters हैं I said यहाँ पे आपने कहा मैंने my frames are exactly the same size I'm talking about the actual text in it frames are obviously visuals are something else the written part is something else maine acha meri baat samajhne ki koshish kare jab when we were discussing this frame last time maine aapse kaha tha ki iske niche probably thoda sa 1 to 2 mm niche right sc1 and the description And then I said के उसके further down you write voice over or whatever else we hear and underneath I said write music and at place 4 write the sound effect अगर आप आपको ये instructions याद नहीं थी कि मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे जहाँ पे कोको कोला कंटूर डिजिटल कैंपेन लिखा हुआ है वहाँ पे just write description of what we see in the frame और उसके नीचे लिख राइट द वॉइस ओवर और डायलॉग पार्ट और वट एवर यू आर हियरिंग और नंबर 3 पे आई सेड राइट म्यूजिक नंबर 4th पे आई सेड राइट द साउंड इफेक्ट तो ये इंस्ट्रक्शंस तो मैंने बड़ी क्लियरली दी थी आई हैड सेड मैम जस्ट व्हाट शी इज सेइंग कि ये तो हम सबने बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं बट शी व्हाट दे आर मेकिंग अ पॉइंट इज के आप जो बाकी फॉर्मेट्स एंड सॉफ्टवेयर्स का कह रही हैं अगर वो सारी चीजें हमें पहले एज अ स्टैंडर्ड दे देते तो हम सारे वही फॉलो कर लेते इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर ओन यस मैम बिकॉज मुझे भी आई स्टार्टेड ऑफ इनिशियली विद वर्ड तो मैंने जब कल जो है बात की थी सीनियर से कि आई एम फेसिंग डिफिकल्टी तो देन ही यू नो सजेस्टेड मी कि तुम कैनवा यूज कर लो सो या मैंने नहीं कहा कि आप कैनवा यूज करें या आप फोटोशॉप यूज करें आई ओनली कंपेयर्ड हाउ यू हैड प्रेजेंटेड वर्क एंड आई कंपेयर्ड योर वर्क विद टूबा'स वर्क एंड यू आल्सो नोटिस दैट टूबा हैड टू डू अ लॉट मोर वर्क देन योरसेल्फ दो शी इज सेइंग कि कैनवा इज फॉर द बिगिनर फोटोशॉप इज फॉर समबडी हु नोज फोटोशॉप वेरी वेल मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ जस्ट ट्राई टू सी बहुत नीट प्रेजेंटेशन है आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपनी कॉपी लिख रहे होंगे जो असाइनमेंट थी जब आप लोग कर रहे होंगे देयर इज एन असाइनमेंट मैम हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इस बार थोड़ा लीनियंट हो जाओ ऐसा जो आपके जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है फिल्म एंड टीवी में नॉट इन एडवर्टाइजिंग इन फिल्म एंड
पीपल यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. लास्ट टाइम जब हमने क्लास में डिस्कशन की थी तो मैंने आपसे कहा था कि यू कैन प्रेजेंट वन टू और मोर फ्रेम्स ऑन अ पेज. जब व्हेन आई सी फोर फ्रेम्स ऑन अ पेज, थैंकफुली आई एम लुकिंग एट इट ऑन कंप्यूटर, तो मैं उसका साइज छोटा बड़ा कर सकती हूँ. अगर पेपर पे होता तो आई वुड नीड पावरफुल ग्लासेस टू रीड वॉट आई एम सीइंग अंडर फोर डिफरेंट फ्रेम्स. ऐसा ही है. So I am reading normally in font size 12, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड है. ये अभी तूबा ने भी जो font size यूज़ किया हुआ है ये थोड़ा सा छोटा है. आपके पास यहाँ पे इतनी सारी जगह थी. और जो मैं आपसे उस वक्त पूछ रही थी कि आप लोग उसको सेंट्रलाइज्ड लिख रहे हैं, तो नॉर्मली जो है मैं सेंट्रलाइज्ड जो है मुझे पर्सनली आई डोंट ऑप्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड, I opt for left aligned. और चूंकि अगर आप justified use करेंगे, justified looks very beautiful, लेकिन justified में problem ये है कि at times you end up with only two words in a line, two three words in a line. तो मैं justified इसीलिए opt नहीं करती. I opt for left aligned kind of thing. तो मैंने आप लोगों को जब वो शो किए थे तो मैंने कहा था कि write underneath your frame, ठीक है. असमा ने अंडरनीथ ही लिखा हुआ है, राइट. बस लेफ्ट अलाइन नहीं है, अंडरनीथ है. तो अगर आप सिर्फ ये टाइटल सीन वन एस्टेब्लिशिंग शॉट सेंटर में लिख देती हैं और बाकी चीज़ें लेफ्ट पे लिख देती हैं तो दैट वुड हैव बीन फाइन टू. और आपने ये ऑप्ट किया फॉर एसन ने शायद मेरी बात अगर पिछली दफ़ा थोड़ी सी अगर मिस कर दी होगी तो दिस इज वॉट आई वॉज सेइंग कि आप पावर पॉइंट में अगर जाते तो यू कुड इजीली पुट ओनली वन फ्रेम ऑन अ पेज और उसके नीचे आप फिर लेफ्ट अलाइन करके ये टेक्स्ट लिख सकते थे. बट राइट अलाइन इज आल्सो फाइन, क्योंकि मैं ये कही थी कि दिस इज वेरी नीट, तो मुझे ये काफी काफी अच्छी लगी प्रेजेंटेशन. मैम आप रीजन बताएंगे लेफ्ट अलाइन के लिए, फ्यूचर के लिए, मतलब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, मतलब इस हमने जो किया उसके निस्बत. जरूरी नहीं है कि आप उसको लेफ्ट अलाइन ही लिखें, आप राइट अलाइन भी लिख सकते हैं. सम टाइम स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग देयर केस स्टडीज एंड इवन रिसर्च पेपर्स विच आर सेंट्रलाइज्ड, तो वो बहुत विजुअली अच्छे ही नहीं लगते देखने में ना. एट टाइम्स आपकी सेंट्रलाइज्ड कॉन्वर्स जो है वो अच्छा लगता है. अब आप ये देखें, आपके फ्रेम में उसने लेफ्ट लाइन यूज़ किया, मैकडोनल्ड्स मेक योर ओन बर्गर. हालांकि ये इतने थोड़े वर्ड्स हैं कि अगर ये सेंट्रलाइज्ड होता तो दिस विल लुक ब्यूटिफुल इवन इन सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट. क्या ख्याल है आपका, फ्रेम में अगर ये सेंट्रलाइज्ड आ रहा होता तो अच्छा लगता ना इतना ज्यादा. यस मैम, आई टोटली एग्री. अभी मैंने पूछा फॉर द फ्यूचर के, हां आपसे मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि उसने लेफ्ट लाइन यूज किया, हालांकि ये सेंट्रलाइज्ड में भी बहुत अच्छा लगता, बिकॉज दीज आर ओनली फाइव वर्ड्स इन योर फ्रेम, ठीक है. फाइव वर्ड्स के फ्रेम में यू कैन ऑप्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड और लेफ्ट अलाइंड और इवन राइट अलाइंड जो है कॉम्पोजिशन. दिस इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, ये जो आपके सीन वन में लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ टेक्स्ट विच इज सेंट्रलाइज्ड. और उसके बाद ये जो सीन वन लिखा हुआ है ये बहुत दूर लिखा हुआ है, कैन यू सी. मैम ये मैंने इसलिए किया था, आपने कहा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस जिसमें मैं कर सकती थी, लेकिन दूसरा फिर ये होता है जिसमें थोड़ा टेक्स्ट था वो अगर मैं बड़ा करके लिख देती तो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा था वो फिर इक्वल नहीं होना था, इसलिए आई हैड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक साइज हर एक के लिए जिसमें सारे टेक्स्ट इक्वली आ जाते, इस वजह से मैंने किया. आप ये देख रही हैं, आई एम मूविंग डाउन टू सी व्हाट यू आर सेइंग यहां पे आपके, एंड आई हैव मोर और लेस गॉन थ्रू your whole presentation, ठीक है. ये नजर आ रहा है आपको? Yes ma'am. आप देख रही हैं? So, yes ma'am, it was pretty long भी क्योंकि मेरी like 3 minutes 40 seconds की थी video भी. नहीं, I understand what you're saying. Tuba, मैं आपसे ये कही थी कि I like it. ये अच्छा, this is nicely presented work. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब now you see कि from frame 1 to frame 50, you have 50 frames, ठीक है? आपके हर जगह पे यहाँ पे this space is more than half inch. तकरीबन आधा इंच के करीब तो है ये. अगर हम इसको A4 पे प्रिंट करके देखेंगे तो ये शायद हाफ एन इंच से ज्यादा होगी. यूट्यूब पे मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि वो बहुत इसके हार्डली यहाँ तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ था 2-3 mm अंडरनीथ. तो मैं आपसे ये कही थी कि चीज़ों की जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है
अब आप आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ. ये आप ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करती हैं, राइट, ये आपका फ्रेम का जो टॉप है, देख रही हैं? यस मैम, यस मैम. यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हैं. डू यू नो के सीन 49 स्ट्रेट लाइन से काफी के खासे करीब है, एंड सीन 50 जो है वो जरा ज्यादा डिस्टेंस पे. कैन यू सी दैट? यस मैम, आई टोटली एग्री. मैंने मतलब अगर टाइम थोड़ा सा और होता तो मैं इसको लाजमी रिवाइज करती, लेकिन मैं आपका एरर निकालने की कोशिश नहीं कर रही. नहीं मैम, व्हाट आई एम सेइंग इट्स रियली हेल्पिंग. हाँ, व्हाट आई एम सेइंग कि ये देखें, यहाँ से यहाँ आपने शायद तीन दफा एंटर किया, राइट, 1 2 3. यहाँ आप जी मैम ऑटो टर्न्स में ना बस यहाँ पे आपने शायद 4-5 टाइम्स एंटर किया. कैन यू सी एंटर 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 एंटर. जबकि इस वाले में ये प्रॉब्लम नहीं है. आप देख रही हैं, दो असमा ऑप्टेड फॉर सेंट्रलाइज्ड कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन इज वेरी नीट ऑल द वे थ्रू. यही चीज अगर सानिया या दस ने की होती मैनुअली. ये जो असमा दिखा रही है ना, दिस इज व्हाट आई हैड आस्क्ड, जिसको आप वर्ड में भी कर सकते थे या पावर पॉइंट में भी कर सकते थे. आपकी ये जो क्लासेस मेरे साथ हुई हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, आई विल शो यू, आई हैव पोस्टेड देम देयर. आप यू कैन एक्चुअली एक्सेस कि हमने क्लास में क्या डिस्कस किया, यू नो. मैम एक और काम करें. जी जी, काजिम की खोल के देखें जरा, शायद मैं वो देखना चाह रहा हूँ आपके उसके ऊपर क्या व्यूज हैं, क्योंकि मैंने उसकी ये देखी हुई है. मैम कैन आई आस्क वन लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि आप जो लेफ्ट अलाइन की बात कर रही हैं, इज इट लाइक कि ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अगर फ्यूचर में बनाएं एज कंपेयर टू अगर हम मिड में यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइन इज कंसीडर्ड एज मोर प्रोफेशनल वन. ये मैंने नहीं कहा कि आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म मतलब obviously it looks better, जैसे आपने वो McDonald's का ही मुझे बताया. नहीं नहीं, वो मैंने जो McDonald's का आपको बताया है ना, McDonald's के केस में I did not say के के left aligned is better. मैंने आपको McDonald's के केस में सिर्फ इतना कहा था कि they were only 5 words, ठीक है, ऐसे ही कि they were only 5 words in that particular frame. तो मैंने आपसे कहा था कि जो whoever was doing that case study video opted for left alignment. मैंने आपसे कहा कि मैंने हमारी जो पिछली क्लास थी वो मैंने रिकॉर्ड करके YouTube पे पोस्ट कर दी थी. सो ऑल द पीपल हु हैड कंफ्यूजन और हु वर नॉट श्योर व्हाट टू डू, दे कुड एक्चुअली रिफर टू दिस वीडियो. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही थी कि लास्ट क्लास में हमने जो भी आप लोगों ने प्रेजेंट किया था और एंड व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस आई हैड गिवन, ऑल दोस इंस्ट्रक्शंस वर अवेलेबल टू यू इन रिकॉर्डेड फॉर्म. आप देख रहे हैं, ये हमारे लास्ट क्लास का है वीडियो. ये वाली जो असाइनमेंट है अहमद हफीज की, ये तो मैंने बिकॉज ही सेंट इट टू मी ऑन वेंसडे लास्ट वीक, विच मीन्स ही सेंट इट टू मी द सेम डे. तो जब उसने मुझे सेम डे भेजी थी तो मैंने इसको फौरन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था. एंड आई सेड के दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर व्हेन यू डू द कॉपीज, जस्ट उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड व्हाट वी हियर. जो बाकी सारी फॉर्म्स हैं, लाइक दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, इवन दिस फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स जो हैं वो दे फॉलो, यू नो, इन सारों से पहले है होता है ये. जो अहमद हफीज ने किया, हम सबसे पहले यही करेंगे, वी राइट द कॉन्सेप्ट एंड वी राइट व्हाट वी आर हेयरिंग. कॉपी जब लिखी गई तो कॉपी लिखने के बाद यू कैन डू दिस, कॉपी लिखने के बाद यू कैन डू दिस, ये भी और ये भी कॉपी लिखने के बाद होगी, राइट. सो फर्स्ट पार्ट वॉज जस्ट दिस मच, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जस्ट गिव मी द कॉपी, ओके. ये बाकी ये वाली जो फॉर्म है इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी
और बेसिकली जो आपका क्रिएटिव डायरेक्टर है या क्रिएटिव कॉपी राइटर या मैनेजर है वो सिर्फ यही लिखेगा. ही वुड ओनली राइट व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. ठीक है, ये करने के बाद ही वुड प्रोबेबली डू दिस. ओके, आई वांट टू प्रेजेंट माय वर्क इन अ बेटर स्टाइल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो स्टाइल की तरफ जा रही हैं. यू आर ट्राइंग टू मेक योर प्रेजेंटेशन इवन बेटर, राइट? स्टार्ट हियर एंड देन डू बेटर. ओके, यस मैम. थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि हमें मार्क्स थोड़े बहुत अपने पता चले, ताकि हमें पता चले कि हम कितना कोई जो है काम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एक लर्निंग कंपोनेंट असाइनमेंट्स होता है, तो और उससे ही पता, उसके मार्क्स से ही पता चलेगा कि हम मतलब के कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, और मतलब के कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है ये हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस. मोहम्मद अहमद हफीज, आई मार्क्ड द असाइनमेंट्स एंड आई मार्क्ड योर वर्क. जो असाइनमेंट्स वगैरह थी, केस स्टडी का जो रिटन फॉर्म था, पेपर आप लोगों ने जो सबमिट किया, तो वो मैंने आप लोगों को साथ साथ मार्क किया था. आई मार्क्ड एंड आई आल्सो पोस्टेड मार्क्स इन गूगल क्लासरूम. मैंने आपसे कहा था कि आपकी मार्किंग आती है इन योर प्राइवेट स्पेस. मार्किंग तो मैंने पब्लिक स्पेस में नहीं पोस्ट की भी ना. एंड आई कीप ऑन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू के प्लीज डू नॉट ईमेल योर असाइनमेंट्स टू मी, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आई रिसीव टू मैनी ईमेल्स. So I can't keep searching emails. आप देखिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है, और इसके बीच में अभी वो मेरे MSTFT के स्टूडेंट्स, women in media के स्टूडेंट्स एंड मैनी अदर पीपल फ्रॉम ऑफिस एडमिन एक्सेट्रा, दे विल बी सेंडिंग मी emails, which means के इफ यू सेंड मी वर्क वाया email, I will probably lose your work, right? And if you submit in Google Classroom, there is no way that I lose your work, because when I click, I find all work here, right? यहाँ से तो आपका काम, ये आपकी प्राइवेट स्पेसेस हैं. I post your marks here. If you click any of your past assignment, you will see your marks. Sorry to interrupt, ma'am. फैसल बात कर रहा हूँ. आपने अभी मिडटर्म तो मार्क नहीं किया ना? मिडटर्म के मार्क्स मैंने आपको नहीं भेजे अभी तक. But you were definitely marked on your first assignment, and you were told के you improve your first assignment, you get better marks in your midterm. ठीक है, I had given you a number of chances to share your marketing context, share your objectives, etc. मैंने आपसे क्लास में बार बार कहती रही थी कि प्लीज़ राइट समथिंग एंड शेयर विद मी, बिकॉज इफ यू वुड शेयर आई वुड टेल यू एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड एट दैट पॉइंट. फॉर इंस्टेंस इफ आई वुड सेइंग ओके इट सीम्स यू विल गेट सी फॉर दिस असाइनमेंट. ठीक है, सो बाय द टाइम आप डेडलाइन पे जब सबमिट करते हैं, you have done your best, तो आप C से improve होके B पे चले गए ना, by the time you are finally submitting it. ठीक है, तो मैंने आप लोगों की वो post की, and I just posted one comment के people had performed better when they were presenting. लेकिन अभी तक presentations complete नहीं हुई हैं. अब आपको ये यस्मा का ये नज़र आ रहा है, इस पर मैं आपको सिर्फ एक last point कहना चाहूँगी आप लोगों से. फ्रेम वन और टू के नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फ्रेम वन के नीचे फ्रेम वन से रेलेवेंट टेक्स्ट लिखा है, फ्रेम टू के नीचे फ्रेम टू से रेलेवेंट टेक्स्ट लिखा है. अगर मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती ना, कि फ्रेम वन का टेक्स्ट इज रिटन वेरी क्लोज टू फ्रेम थ्री, ऐसा ही है आसमान? यस मैम. हाँ, तो मैं आई वुड हैव प्रिफर्ड कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिलती कि फ्रेम वन एंड टू ख़त्म हो गए, फिर देर इज स्पेस और जो है, और फिर देन आई एम लुकिंग एट फ्रेम थ्री एंड फोर. डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो रही थी, दैट्स द ओनली थिंग. मुझे आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से, दैट वी नीड अ ब्रेक. दिस इज वेरी वेल प्रेजेंटेड, ये बड़ा नीट लग रहा है, इट्स लुकिंग रियली नीट. ठीक है, इट्स लुकिंग रियली नेट. ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले कही थी. तो उसके बाद जब एक पेज ख़त्म होता है, तो देन वी सी दिस ब्लैक स्पेस इन द मिडल. देख रही हैं आप ये?
तो मैं उसकी वजह से प्रेजेंटेशन इज इवन बेटर बिकॉज आपका एक फ्रेम खत्म होता है तो देन वी लुक एट द नेक्स्ट, एक पेज आपका हमने पूरा देख लिया उसके बाद वी मूव गो टू नेक्स्ट पेज एंड देन लुक एट फोर मोर फ्रेम्स. वो जो एहसन वाले में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि वो फ्रेम्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे एंड फ्रेम 1, 2, 3, 4 वो सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे. रीडेबिलिटी वुड बी बेटर, यू नो, विजुअल लुक वुड बी बेटर इफ आई सी सम वाइट स्पेस इन द मिडल. अहमद बात करो. जी अहमद अभी मैम बाकी सबको भी फीडबैक दे दें असाइनमेंट का. मैम वो पूछना ये था कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन होता है उसके लिए अगर हम अगर ज्यादा लॉन्ग वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मतलब कि जितनी डिटेल्स को हम कैप्चर करके उसको राइट कर रहे हैं, मतलब कि इसकी तो कोई ये तो नहीं है कि ज्यादा लंबा नहीं लिखना डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन को. डिस्क्रिप्शन का तो वर्ड लिमिटेशन इज नॉट एन इशू बट इट शुड रियली बी कंसाइज. ठीक है मैम. हां अदनान हाशिम. यस मैम. एहसन ताहिर. Yes, ma'am. Elena. Elena. Yes, ma'am. Arsal. Yes, ma'am. Asma. Yes, ma'am. Faisal. Present, ma'am. Haseeb. All right. Haseeb is not here. Ahmed Hafiz. Present, ma'am. Ammar. Yes, ma'am. Yes. Kazim. मैम मैं प्रेजेंट हूँ. जी काजिम लगा दिया प्रेजेंट. ओके आई सजेस्ट के कम से कम हैंगआउट में हैव अ नेम दैट लुक्स डिफरेंट. वहाँ पे मुझे आई कैन सी मोहम्मद 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 एंड इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड के हु इज अहमद हफीज हु इज अमार जहीर एंड हु इज काजिम नॉरेज एंड विशान. प्रोफाइल पिक्चर्स लगा लेते हैं. प्रोफाइल पिक्चर्स लगा लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. इट वुड बी इजी फॉर एवरी. ठीक है मैम. जी जी मुजना. Yes, ma'am, I'm present. Rubab. Present. Okay. Sania. Present, ma'am. Saud. Present, ma'am. Shaheer. Present, ma'am. Sharfa. Shumaila. Present, ma'am. Sundas. Present. Nawazish. Present, ma'am. अस्सलाम जी. तूबा एंड जहरा. प्रेजेंट मैम. जमरा. शारफा एंड मदीहा. आई डू नॉट सी. अच्छा मदीहा ने ज्वाइन किया था लेकिन और उसने ज्वाइन किया था आफ्टर अबाउट एन आवर 58 मिनट्स पे. और काफ़ी सारे और लोग हैं जो 58 मिनट्स पे. सबके आप देख रही हैं कि सबके टाइम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हु ज्वाइंड एट व्हाट टाइम. ठीक है अभी मैंने जो आपसे तीन डिफरेंट सैंपल्स डिस्कस किए उसमें एक अस्मा का काम था, अहमद हफीज़ का काम था, एहसन ताहिर का काम था एंड ऑल्सो Tuba's work. So I had opened actually 4 different types of work. और मैंने आपको बताया कि if you present like this, how it looks. और आपसे हमने उनको compare भी किया कि neatness कहाँ पर ज़्यादा है, presentation कहाँ पर ज़्यादा बेहतर लग रही है. So I think कि by looking at 4 different samples, you kind of know how to present your work in future. आप लोगों की जो अभी concern है कि आपकी फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी नहीं लगेगी इफ़ यू वर रियली पुटिंग जस्ट वन फ्रेम ऑन अ पेज इन वर्ड फाइल और टू फ्रेम्स ऑन अ पेज इन वर्ड फाइल, इवन दैट वुड हैव बीन फाइन बाय मी. ठीक है तो बस मैं सिर्फ यही देखना चाह रही थी कि वो फ्रेम के साइजेस कंसिस्टेंट हो और एटलीस्ट यू आर गिविंग द टेक्स्ट इन द स्टाइल दैट आई हैव सजेस्टेड. टूबा का अलबत्ता एक क्वेश्चन था जिसमें शी सेड के समबडी टोल्ड हर to write everything in one place. Ma'am, it's my first time कि मैंने इस तरह करके design किया है. उससे पहले इतना काम मैंने नहीं किया हुआ लेकिन usually मैं उसी तरह describe कर देती थी. मतलब अलग अलग columns नहीं ऐसे किए मैंने कभी. तो
एक्सेप्ट हो जाए, मतलब एक्सेप्टेबल था और मैंने मतलब वैसे भी देखा. लिसन, डिफरेंट टीचर्स गिव यू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, इज इट सो? यस मैम, ट्रू. जिस टीचर ने जो असाइनमेंट दी है, द बेस्ट वुड बी टू फॉलो द रिक्वायरमेंट गिवन बाय दैट पर्टिकुलर टीचर. मैम, आई रेड योर पॉइंट्स और आपने जो जो पॉइंट्स उसमें कवर करने के बोले थे वो आई कवर्ड दैट इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम श्योर कि आपने जरूर किया होगा. मैंने अभी आपकी डिस्क्रिप्शंस ना तो आपकी पढ़ी हैं ना मैंने आपकी डिस्क्रिप्शंस अस्मा की पढ़ी हैं. आई हैवंट रेड एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन एनी ऑफ द फोर सैंपल्स दैट वी डिस्कस टुडे. द ओनली थिंग दैट आई हैड रेड वाज द कॉपी पार्ट रिटन बाय अहमद हफीज, राइट? Yes. हाँ, I said के he submitted his copy on Wednesday last week. When he submitted it, I read it then and there, and then I decided to post it. क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को suggestions दी थी on Ahmed Hafiz's copy. I gave suggestions which related to every student in class कि please present your copy in this style. I said just on the top give the title of the case study video. Underneath write copy and one liner sort of thing. Just say what is the key idea behind this case study video and underneath write only the copy part. ठीक है, वो मैंने अहमद हफीज का जब सबसे शेयर किया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि गाइस दिस इज ऑल आई नीड व्हेन आई से के जी राइट कॉपी. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ, और देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स. फॉर इंस्टेंस, अगर आप फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे होते, आप टेलीविजन सीरियल का, सीरीज का, सोप का स्क्रिप्ट लिख रहे होते, तो व्हेन यू आर राइटिंग योर स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल प्रोबेबली राइट एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग के यू हैव बीन टोल्ड टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन वन प्लेस. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, के डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रिप्ट राइटर है, टीवी प्ले का जो स्क्रिप्ट राइटर है, फीचर फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो मैक्सिमम आइडियाज एक ही जगह पे थ्रो कर रहा होगा, राइट? Maximum yes, ideas. Ma'am. Maximum ideas. He'll be throwing all those different ideas in one place. I'll try showing you something from if I can. Ma'am, फिर तो एसन का सही हुआ ना, उसने partition की है, तो that's what you are saying कि उस तरह होना चाहिए, right? नहीं, मैंने वो आपसे नहीं मांगा. मैंने सिर्फ copy मांगी थी और एसन ने जो present किया है. अच्छा. अच्छा अच्छा, आप मैम आप कॉपी की बात कर रही हैं, तो मैंने अहमद वाला इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि जब मैंने ही उसके दो दिन के बाद जब मैंने पोस्ट किया था, तो जो मेरा जो मैंने जो फॉर्मेट पे किया था उस पर अभी आपने मतलब कमेंट किया था कि लुक्स गुड, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया उसको अहमद वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली. इट्स परफेक्टली फाइन. मैंने अहमद वाला आप लोगों से इस वजह से शेयर किया था बिकॉज some people were confused, some people were asking for samples, and I shared his work with you to show you ke what I was looking for. I said this is all I need, just write the copy. Theek hai, maine abhi aapko asma ki copy presentation dikhai and I said ke this will happen after you have completed what Ahmed Hafiz did. Theek hai, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एवरीथिंग फॉलोज कॉपी राइटिंग. जब आपने कॉपी राइटिंग, अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये देखें, ये जो आप अभी बात कर रही थी, नाउ एवरीथिंग इज रिटन इन वन प्लेस. लेकिन इसमें भी ये भी थोड़ा सा एडवांस स्टेज है. दिस इज नॉट द इनिशियल आइडिया व्हेन यू आर राइटिंग स्टोरी फॉर अ प्ले और स्टोरी फॉर अ फीचर फिल्म. ये थोड़ा सा एडवांस्ड इस वजह से है बिकॉज ऑन टॉप इट सेज सीन वन. And then in the middle it tells you the name of the location, and on the other side it shows you ke if it is an exterior day or night scene. ठीक है, exterior or interior, day or night scene. और उसके नीचे ये जो पहली five lines, the first five lines give you the screenplay descriptions of scenes. What is happening here? People are walking. People are doing different kind of exercises. Kids are playing. Parindo aur machliyon ko dana dalne ke manazir. Uske baad aapko nazar aa raha hai ki ek bura aadmi haanpta kaapta chahalkadmi kar raha hai. Ye jo aapse jo highlighted part hai, this highlighted part is only giving you visuals. Aap dekh rahe hain?
इस हाईलाइटेड पार्ट में देर इज नथिंग दैट यू कैन कॉल वॉइस. इज देर एनीथिंग दैट यू कैन से इट साउंड्स लाइक वॉइस? No, ma'am. ठीक है, ये दिस हाईलाइटेड पार्ट इज ओनली गिविंग यू डिस्क्रिप्शंस ऑफ विजुअल. और उसके आगे लिखा हुआ है इसके जहन में मुख्तलिफ आवाजें गूंज रही हैं. बट हाउ वुड यू सी आवाजें गूंजती हुई? यू डोंट सी देम. यहाँ पे आपने ये देखा कि बिटवीन स्क्रीन प्ले पार्ट एंड द वॉइस पार्ट फर्क है. यहाँ द अरेंजमेंट स्टार्ट्स one inch from right and the what you are hearing is more than an inch, it's about 2 inches from the right hand side. So when you look at this kind of thing, you will immediately see that images are written here and voices are written here. Do you know what I mean? So jaise hi, the minute you look at something like this, aap right away dekh lenge ki acha, this is what I'm seeing, this is what I'm hearing. ये जो फॉर्मेटिंग डिफरेंस है, इट मेक्स इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर हियरिंग. आप देख रहे हैं, अब इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान टेलीविजन स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मेट, तो पीटीवी पेज को बीच में से फोल्ड कर लेगा, राइट? दे विल फोल्ड इट, मीन्स दे विल क्रिएट टू कॉलम्स. In one column, they will continue writing the visual part, and in the second column, they will continue writing the voice part. Ehsan Tahir was going a step further ahead, ke he created four columns. It would be easier to see four columns in landscape format. Aap profile page use kar rahe hain, it hard, aapka column narrow ho jayega. So end of the day, what really matters is the presentation of the work. So aapse main yehi keh rahi thi ki you have to think about it, ki the way you are presenting your work, if it is visually pleasing. Mujhe Tuba ka kaam bhi visually pleasing laga, mujhe Asma ka kaam jo hai usme I was very comfortable looking at it. So main aapse ye keh rahi thi ki presentation style mein fark hota hai. एंड वेन वी गो बैक टू एहसन ताहिर वर्क, वहाँ पे एक ऐसा कॉलम क्रिएट हुआ इन द मिडल. द ओनली थिंग दैट आई फाउंड अ बिट डिस्टर्बिंग वो ये था कि इमेजेस वर टचिंग ईच अदर. आई वुड लाइक टू सी स्पेस बिटवीन वन फ्रेम एंड द अदर. तो एहसन, आई वुड सजेस्ट कि आप उन स्पेसिस को थोड़ा सा सेपरेट करके दोबारा अपलोड करते हैं, ठीक है? इफ़ यू रिमेंबर कि हमें ओरिजिनली आज जो असाइनमेंट सबमिट करनी थी वो वही है जो अब आप नेक्स्ट वीक सबमिट करेंगे. यू रोट केस स्टडी पेपर्स, डिडंट यू? यस. तो अब आपने सिर्फ इतना करना है कि केस स्टडीज पेपर्स जो आपने लिखे थे, यू नो, यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज एसेज टू राइट योर कॉपी फॉर केस स्टडी. ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू. उसके अंदर तो बेसिकली हमने खुद से लिखना है ना स्क्रिप्ट, बिकॉज उसकी तो कोई केस स्टडी वीडियो बनी नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं बनी हुई. आपको मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि नाउ दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज, अब आपको पता है कि वट एवर यू हैड रिटन इन द पेपर, आप अगर उस पूरे पेपर का वीडियो बनाना शुरू कर देंगे तो इट विल टेक अबाउट हाफ एन आवर और आवर टू गो थ्रू द वीडियो, राइट? यस मैम. आपको वो सारी चीज़ें जो पेपर में थी वो नहीं आपको चाहिए. प्रेजेंटली डिफरेंट केस स्टडीज वीडियोस को पूरी क्लास में देखा. लेट मी ट्राई लुकिंग एट डिफरेंट केस स्टडी वीडियोस. अब ये अदनान हाशिम, अदनान आपने क्या चीज़ यूज की है? मैम ये सिंपल पीडीएफ है. ये वर्ड की पीडीएफ है? यस मैम. ऑलराइट, अब आप ये देखेंगे फ्रेम वन. अच्छा अदनान, आपको फ्रेम वन लिखने की जरूरत नहीं थी. मैंने आपसे कहा था यहाँ पे यू कैन राइट राइट हियर SC1 SC2 SC3, ठीक है? लेकिन ये देखें, ये अब वर्ड पे इन्होंने किया है, बट डोंट यू सी के इट लुक्स नीट?
जो मुझे पहले दो पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, बस ये दोनों फ्रेम साइज बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फ्रेम साइज एक जैसे हैं एंड ही एक्चुअली डेड, जो मैंने आपसे कहा था कि एक फ्रेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां खत्म हो जाए, आई सेड गिव सम स्पेस एंड देन डिस्कस द नेक्स्ट सीन। अब इसमें सिर्फ एक चीज है कि व्हेन यू यूज बोल्ड टेक्स्ट, ये फॉन्ट साइज क्या है अदनान? मैम ये उसमें जो पीडीएफ में आ रहा था ये 48 था आई गेस। नहीं, ये इसकी इमेज की बात नहीं कर रही, ये जो नीचे टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज क्या है? मैम ये जो उस कैटेगरी में 46 है या 48 है, लेकिन ये वर्ड में आई गेस 16 होगा या 18 होगा। हाँ, तो मैं आपसे सिर्फ यही कही थी कि ये इस वक्त काफी बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा तो वो लग रहा है, लेकिन थैंकफुली क्योंकि आपने ये जगह छोड़ दी आफ्टर वन टेक्स्ट एंड्स, तो आपने अगले फ्रेम के बीच में स्पेस क्रिएट कर दी, तो दैट इज फाइन। वी डिड नॉट नीड फॉन्ट साइज 16 बिकॉज अभी तक मैं फॉन्ट साइज 14 पढ़ लेती हूँ, नंबर वन। नंबर टू, इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू योर क्लाइंट, ठीक है, यू आर प्रेजेंटिंग दिस टू कोका कोला, तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 वुड हैव बीन फाइन, विच मीन्स कि मैं आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रही क्योंकि मैं आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है इट इज स्टिल लुकिंग वेरी नीट, और ज़रा बड़े साइज में पढ़ना भी आसान है, राइट? और आपने द गुड पार्ट इज के यू एक्चुअली डेड जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। तो बस इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना था SC1, और SC1 लिख के आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, फिर उसके नीचे मैंने आपसे कहा था आपने लिखा है दिस एड विल स्टार्ट विद द ओपनिंग फ्रेम बेयरिंग अ टेक्स्ट ऑन फर्स्ट स्क्रीन रीडिंग इंट्रोड्यूसिंग, फाइन। और आपने कहा कि रेड बैकड्रॉप, रेड इज वेरी सूटेबल फॉर कोका कोला बिकॉज आपकी प्रोडक्ट का जो कलर है वो नॉर्मली कोका कोला यूजेस रेड कलर। पेप्सी के कुछ कमर्शियल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि पेप्सी ऑप्टेड फॉर मरूनिश टिंट इंस्टेड ऑफ रेड, और पेप्सी के जो मॉडल्स हैं पेप्सी कमर्शियल्स में उसमें भी कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा कि मॉडल इज वेयरिंग समथिंग इन मरून टोन, क्योंकि वो प्रोडक्ट के कलर्स के साथ उसको एडवर्टाइजिंग में इन पर्टिकुलर दे ट्राई टू मैच कलर टोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी आपकी डिस्क्रिप्शन थी, ओके? तो इसको आप थोड़ा सा और कंसाइज भी कर सकते थे, बट दिस इज फाइन, दिस इज ऑल आई नीडेड। उसके बाद आपका ये है, और आपने वो किया हुआ है जो उस वक्त तूबा कह रही थी कि एवरीथिंग इज रिटन इन वन प्लेस, आपने कहा द वर्ड्स द थ्योरी ऑफ क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस विल देन अपीयर ऑन द नेक्स्ट फ्रेम विद द सेम म्यूजिक एंड रेड बैकग्राउंड एंड वाइट टेक्स्ट, also some scientific graphics will appear with the text, the voice will start explaining about the theme of the ad. ye aapne completely jo ahmed hafeez ke part mein maine kaha tha shuru mein ki thodi si ek description de de, and this is what you are doing, aapne voice music and description ko alag nahi kiya, you have put everything in one place, it's not difficult at all to understand what you are saying, I can see what you are describing image wise and what you are saying voice wise and music wise and any other thing jo you are saying ki certain types of graphics start appearing on the screen. to main aapse ye kahi thi ki aapne sab cheeze ek hi jagah pe explain kar di, which is also fine ki aapne usko four mein split karne ke bajaye you have put everything in one place. abhi tak mujhe reading mein to usme concept understanding was not too difficult, I could understand ki what you were trying to say, theek hai? तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फॉर्मेट वाइज दिस प्रेजेंटेशन लुक्स फाइन। अभी थोड़ी देर पहले जो सुंदर का क्वेश्चन था कि यू वर नॉट श्योर, शी वॉजंट श्योर कि हम क्या कह रहे हैं, तो मैं दिस इज व्हाट आई हैड आस्क्ड कि जी आप मुझे इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि यू गाइज कैन सेपरेट इमेज फ्रॉम वॉट पीपल आर हेयरिंग, यू नो दो चीज़ें होती हैं, इमेज में यू हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड वन फ्रेम, इमेज एक ही होती है, दो देयर मे बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द इमेज, डू यू रियलाइज दैट ऑडियो पार्ट हैज़ 4-5 डिफरेंट एलिमेंट्स, आपको आइडिया है कि वो 4-5 एलिमेंट्स क्या हैं, ऑडियो हैज़ मोर इन इट एज अपोज टू
के इमेज में भी यू आर थिंकिंग अबाउट फ्रेमिंग, लाइटिंग, परफॉर्मेंस, ब्लॉकिंग, देर आर सो मेनी थिंग्स. लेकिन जब इमेज आपके सामने आ जाती है, दैट इज जस्ट वन इमेज. जो साउंड वाला पार्ट है, इट्स मोर देन वन. आपको उसमें यू हैव वॉइस, यू हैव म्यूजिक, यू हैव एम्बियंस, यू हैव साउंड इफेक्ट्स, यू ऑल्सो हैव silence at times. You use silence to exploit or to emphasize a certain situation. ठीक है, तो आपको when you are talking about the audio part, there are more things that you need to think about. आपको समझ में आ गया मैं आपसे क्या कह रही हूँ? ठीक है, so basically I like it. ये जो word में इन्होंने presentation दी, it's neatly presented. सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगी कि शायद फ्रेम कहने की ज़रूरत नहीं थी, बट इफ़ यू आर कॉलिंग इट फ्रेम, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस असाइनमेंट वेल. आप जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा है, राइट, टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से यू आर नाउ क्लोजर टू फ्रेम 14, आप देख रहे हैं. तो अगर आप इसको फॉन्ट साइज 16 के बजाय 12 या 14 रहने देते, तो आपके पास यहाँ पे एक थोड़ी सी नीट स्पेस होती. तो लेकिन दिस इज़ ऑल्सो नीट. मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये नीट नहीं है. इट लुक्स लाइक कि यू हैव वेल प्रेजेंटेड योर वर्क हियर. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड. दिस प्रेजेंटेशन इज यूजिंग द बेसिक फॉर्मेट, जो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, बिकॉज अंटिल लास्ट क्लास मैनी पीपल डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड इट इंटू विजुअल एंड ऑडियो पार्ट्स. ठीक है, somebody sent it to me in this form before. किसका है ये? अलेना. अलेना, आपने मुझे भेजा था शायद ये पहले. जी मैम, मैंने आपको गूगल क्लासरूम में सिर्फ इतना कहा था कि यू लुक एट द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में आई हैड पोस्टेड अहमद हफीज वर्क एज अ सैंपल. ठीक है, तो और मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि यू परहैप्स डू नॉट नीड टू प्लेट इट इनटू बुलेट पॉइंट्स. आप ये देख रही हैं बुलेट पॉइंट्स में किया है, बट इफ़ यू समहाउ फील कि बुलेट पॉइंट्स आर प्रोबेबली गिविंग अ लुक ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स, कि आपको यहाँ पे फ्रेम चेंज करना है, कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है. ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस, ओके फाइन, डू दिस. लेकिन बेसिकली जो सिंपलेस्ट चीज मैं पूछना चाह रही थी, आप फर्स्ट स्टेप कैसे कवर करेंगे? ये उस तरह तो नहीं है जैसे आपने कहा था, मतलब अब जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन आई जस्ट ट्राइड. डिफरेंट पीपल हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड, राइट. अभी मुझे लग रहा है कि ये चूंकि मैं ऑनलाइन खोल रही हूँ, इस वजह से ये इस तरीके से नजर आ रहा है, बट This looks good. मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले खोला था अदनान हाशिम वाला, मैंने सिंपली वो मांगा था. ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल्सो फाइन. अभी मैं डिस्क्रिप्शंस पढ़ूंगी तो आई वुड हैव अ बेटर आइडिया हाउ यू आर प्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड वॉट यू आर प्रेजेंटिंग एंड वॉट इट इज अबाउट, इट्स फाइन. अब अरसल ने, ये काफी लंबी कॉपी है, बट इट्स फाइन. अरसल का मैं एक्चुअली स्टोरी बोर्ड देखना चाह रही थी कि हाउ ही इज प्रेजेंटिंग द स्टोरी बोर्ड. ये देखें, अरसल्स वर्क इज सिमिलर टू एहसन ताहिर्स. अलेना, कैन यू ट्राई टेलिंग मी इफ देयर इज एनीथिंग प्रॉब्लमैटिक हियर? मैम, फ्रेम साइज इज डिफरेंट है. हाँ, फ्रेम साइज चेंज हो रहा है. स्क्रीन जो है वो, इट हैज सर्टन प्रोपोर्शंस. स्क्रीन के प्रोपोर्शंस नहीं चेंज होते. ठीक है, तो एक तो फ्रेम साइज चेंज हो रहा है, और एहसन ने ये दोनों जोड़ दी थी इमेजेस, लेकिन इसने, अरसल ने इनको जोड़ा नहीं है, राइट. ये देखें, यहाँ आपके फ्रेम साइजेस मुसलसल चेंज हो रहे हैं, और कुछ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लाइक एहसन ताहिर हैड डन इट. ये इशू ऑनलाइन ऑफन करने में आ रहा है. अरसल, I think कि you are probably right कि ये because मेरा भी same issue आ रहा था मुझे, लेकिन मेरी MS में बिल्कुल ठीक है. All right, हम इसको यहाँ से दोबारा देख लेते हैं. ये आप देख रहे हैं, अभी भी frame size फर्क है. ठीक है, we see frame size फर्क. ये जो आपको side पे Brian Fisher के साथ white borderline show रही है, ये exactly थी ऐसे उसमें. हाँ, video में भी ऐसे. I would, but वो आपकी बात सही है कि मुझे spacing करनी है इनके बीच में, मुझे नहीं आइडिया था, सो मैं उसको करके आपको दोबारा से भेज दूंगा. अच्छा, से आपसे मैं सजेस्ट ये करूंगी, चूंकि यू आर यूजिंग वर्ड,
तो गो फॉर समथिंग दैट अदनान हाशिम डिड, ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कोक वाला खोला हुआ था ना, हालांकि उसको उसने वर्ड में किया था, इट स्टिल लुक्ड नीट. ठीक है मिस, मिस मेरा भी मुझे बता दें. हसीब, मैंने इतनी देर से जो डिस्कशन की वो इसी वजह से थी कि फोर असाइनमेंट शुड वेल एक्सप्लेन कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चारों असाइनमेंट्स में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों ने इस तरह का कॉलम यूज किया है, विच इज डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट स्टेप इवन इन सोप प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन, टीवी प्लेज और फीचर फिल्म प्रोडक्शन. तो आप में से काफी सारे लोग ना इस किस्म का काम कर रहे हैं. ये काम हम कर लेते हैं, लेकिन ये काम हम इतने अर्ली स्टेज पे, मतलब इट्स फाइन, आई कैन एटलीस्ट सी कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि आपने सीन डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दी, आपने वॉइस प्रॉबेबली यहाँ डाल दी, साउंड म्यूजिक इफेक्ट यहाँ डाल दिया. आई वुड स्टिल से के दो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग देयर, जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, तो ये ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट था इन सिचुएशंस जहाँ पे आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता दैट अस्मा हैज यूज्ड. ठीक है मिस, मेरा एक क्वेश्चन है. जी बताइए मिस, आपने जैसा मेरे ये भी वो देखा स्टोरी बोर्ड, अगर मैं उसमें स्पेसिंग सही प्रॉपर करके दे दूं और इस तरह से इंटायरली उसको अदनान की तरह चेंज ना करूं, तो वुड दैट बी ओके? मुझे सिर्फ अदनान वाले में ये लगा कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, यू नो. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, स्ट्रांग है. आई वुड लाइक टू सी द इमेज स्ट्रांगर, क्योंकि टेलीविजन और स्क्रीन पे इमेज जो है इट शुड बी वेरी 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 पावरफुल विजुअल. ठीक है, ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स इंपॉर्टेंट हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग इट. तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा है, अपार्ट फ्रॉम इट आई फील कि इट इज वेरी नीटली प्रेजेंटेड. ठीक है, जिन लोगों को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता, उनसे मैंने सिंपली ये इस्तेमाल करने के लिए कहा था. Somebody asked me in the last class के if he or she could use PowerPoint, you know, in PowerPoint you could use each slide for a frame and for description of that particular frame. तो मैंने last time आप लोगों से कहा था कि it would be fine if you are using PowerPoint, it would be fine if you are using Word. Word में आप ऐसे present करते हैं जैसे अदनान हाशिम ने present किया. So for somebody who does not know the software that Asma has used, and somebody who does not know how to use Photoshop like Tuba has done, तो ये वर्ड एंड पावर पॉइंट वर सिंपलेस्ट एप्लीकेशन दैट यू कुड यूज फॉर प्रेजेंटिंग योर वर्क, क्योंकि आप उसमें एक साइज के फ्रेम्स क्रिएट कर सकते थे, राइट? तो जिसकी हमारे सामने एग्जांपल भी आ गई है कि अदनान हाशिम एक्चुअली डिड. सिंपलेस्ट चीज़ जो मैंने मांगी थी वो ये थी, और असमा ऑप्टेड फॉर समथिंग जिसमें चार फ्रेम्स इकट्ठा नज़र आ गए और उसको सॉफ्टवेयर ने उसके लिए इजी बना दिया टू प्रेजेंट इट नीटली. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नीट इनफ दैट आई हैड आस्क्ड. अब अगर आपने उसको रिवाइज करके अपलोड करना है, तो ये जो आपने व्हाट यू हैव अपलोडेड अर्लियर उसको डोंट रिमूव इट, जस्ट अपलोड योर थर्ड फाइल नेक्स्ट टू इट. ठीक है, ठीक है मिस. चूंकि आई वुड लाइक टू मार्क ऑल द असाइनमेंट्स, तो आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है. ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. मिस को जी बताइए. मैम सारा चेंज करना पड़ेगा इसको, मतलब कि आप कह रही हैं? नहीं नहीं, आई थॉट के समबडी वाज सेइंग कि हिज असाइनमेंट लुक लाइक एसम ताहिर्स असाइनमेंट. And he asked me ke if he could change it to something which looks like Adnan Hashim's assignment. So I told him that okay, you can re-upload without removing the first two submissions. The third can be uploaded besides it. ठीक है मैम, बाकी फॉर्मेट्स वैसे एक्सेप्टेबल है ना, अभी आपने मेरी भी खोली हुई थी, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक्सेप्टेबल है ना ये इतनी कि बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाए. कौन सी है आपकी? मैम मेरी है, बस मैंने फॉर्मेट का पूछना था, बाकी आप आराम से देख लीजिए. अहमद हफीज, मैं देखें मुझे मैम साउथ नदीम के भी चेक करते हैं. मैंने आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज आई कीप ऑन रिपीटिंग,
कि वर्क शुड लुक प्रेजेंटेबल, वर्क शुड लुक नाइस. देखें ये भी फर्क है, ये हसीब का फर्क है, राइट फर्क है, लेकिन नीट इनफ. आई वुड हैव सेड कि हसीब आप इस फ्रेम को बड़ा करते, ठीक है. फॉन्ट साइज इज फाइन, आपने इस वक्त एक पेज पे 3 फ्रेम्स डाले हुए, ऐसे ही है. ये 3 के बजाय 2 रह जाएंगे, तो प्रॉबेबली आपका फ्रेम इतना बड़ा हो जाएगा. फ्रेम वुड बी प्रॉबेबली 6 टाइम्स ऑफ द फ्रेम दैट वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन राइट नाउ. जब ये इससे 6 टाइम्स बड़ा हो जाएगा तो इट विल लुक स्ट्रॉन्गर, इट विल लुक मोर पावरफुल. टेक्स्ट साइज बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट साइज इज परफेक्ट. आई वुड से यहाँ से इसको आप पुल करें एंड मेक इट फुल साइज, ठीक है. फ्रेम को आप सारे चारों साइड से 1 inch स्पेस छोड़ के मेक योर फ्रेम वेरी पावरफुल. टेक्स्ट साइज बिल्कुल ठीक है, जैसे ही आपका फ्रेम बड़ा हो जाएगा विजुअल इम्पैक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर. अभी आप देखें ना, ये ट्रक छोटा सा नजर आ रहा है. जब मैं इसको 6 टाइम्स बिगर कर दूंगी, इफ आई मेक इट 6 टाइम बिगर एंड आई लीव द टेक्स्ट इन द सेम साइज, तो आपकी इमेज विल बी मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर. तो मैंने आपसे कहा है कि दिस वर्क इज अबाउट योर इमेजेस, इट इज अबाउट पावरफुल इमेजेस, ठीक है. तो आप इस इमेज को बड़ा कर दें, सो इमेज बिकम्स पावरफुल एंड लीव द टेक्स्ट एज इट इज राइट नाउ, ठीक है. आप सबके काम एक दूसरे से बहुत फर्क है. मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है जितनी भी पावरफुल आप कर सकते हैं उसको करते हैं. अच्छा, ये अब अगेन वही एक फॉर्मेट आ गया. मुझे लगता है कि ये सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही द फ्रेंड्स आर शेयरिंग द फॉर्मेट. मैम शाउट नदीम से चेक कर देंगे एक बार. ये कॉपी लग रही है मुझे, मुझे लगता है कि नॉरेस ने अभी स्टोरी बोर्ड नहीं अपलोड किया हुआ. ये खाली है, किसकी फाइल है ये रुबाब? इज रुबाब हियर? मैम यही थी. अच्छा, उसको बता दीजिएगा कि उसकी स्टोरी बोर्ड वाली फाइल शायद अपलोड नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट अ ब्लैंक फाइल. ठीक है, अब ये. अच्छा मुजना. यस मैम. फ्रेम्स ठीक लग रहे हैं. सिर्फ ये देखें, ये बड़ा है और ये छोटा है थोड़ा सा. मैम दैट्स बिकॉज मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था अपलोड करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा फ्रेम का साइज मोस्टली एक जैसे लग रहे हैं. लेकिन आप ये देखें कि इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है. कैन यू सी? यस मैम. कैन यू सी कि इस फ्रेम की हाइट ज्यादा है, इस फ्रेम की हाइट कम है, और इसकी विड्थ कम है और इसकी विड्थ ज्यादा है. ओके, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैड सेड के फ्रेम साइज शुड बी कंसिस्टेंट. ट्राई के फ्रेम्स आर ऑफ द सेम साइज. अच्छा, अब आपने भी यू हैव क्रिएटेड 3 कॉलम्स, आपने 3 कॉलम्स क्रिएट किए हुए ना. एक कॉलम में यू आर सेइंग के सीन क्या है, ऑडियो क्या है. इन अ वे दिस इज सिमिलर टू व्हाट एहसन ताहिर डिड. In a way, it is similar to what many other people have done who have created columns. Ma'am, aapne library mein jo ek upload kiya tha, wo similar tha, to I think everyone followed that format, jo ke hum sabko pata tha. Maine library mein kya upload kiya hua hai? Mera khayal hai ki... Ma'am, I saw something on Google Classroom jahan se maine follow kiya hai. Isko Nurpur ki case study thi, Urdu mein thi, although but... लोगों को इन लास्ट क्लास आई गेव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्लास. अब यहाँ पे यहाँ तक आपका कोर्स वर्क और ग्रेडिंग क्राइटेरिया, इसके नीचे इट सेज आर्काइव्स. तो आर्काइव्स जो हैं वो पास्ट आर्काइव्स हैं.
तो आपने जो भी चीज देखी ये भी आर्काइव्स है, ये भी आर्काइव्स हैं. सो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव सीन. इवन इफ यू आर एक्सेसिंग द आर्काइव्स, यू प्रोबेबली विल नॉट एक्सेस वर्क ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि वो इसी तरह प्राइवेट स्पेसेस में अपलोड हुए होंगे. सो यू कैन प्रोबेबली नॉट एक्सेस वर्क ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स. सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या चीज़ देखी थी जिसको आपने यूज़ किया. मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल हियर कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास कि अंडरनीथ द फ्रेम राइट द डिस्क्रिप्शन. उसके नीचे लिखे हैं वॉइस ओवर एंड देन से म्यूजिक एंड देन से इफ साउंड इफेक्ट और एनी अदर इफेक्ट एक्सेट्रा. इन्होंने चूंकि सारी चीज़ें एक ही जगह पर डाल दी and it is not a lot of text, I could still understand what he is saying, so I am comfortable with whatever is written here. So ye hamari minimum instruction thi. Uske baad ye jo baaki cheeze hain, ye this is slightly different from what I had said in last class. Ye thoda sa advanced stage hota hai, advanced stage specially in television program making, where people say ke ji ye mera ek column hai. If you were writing documentary script, to aap ek column mein you will put your voices, narration, voiceover, and something like that. Middle mein aapne phir video dal diya, last mein aapne sound effects dal diye. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज. ठीक है, इफ़ यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस यू वुड एंड अप विद समथिंग लाइक दिस, और समथिंग जो कि आपको अस्मा वाले में नज़र आ रहा था. बट अस्मा यूज्ड अ सॉफ्टवेयर, शी सेइंग द सॉफ्टवेयर मेड इट वेरी ईजी फॉर अस्मा टू प्रजेंट हर वर्क. और जबकि अदनान हाशिम को ये काम करने में मैनुअली काफ़ी काम करना पड़ा होगा. ठीक है, इफ़ यू वर प्रेजेंटिंग योर वर्क जस्ट लाइक दिस तो इट वुड हैव बीन फाइन. ओके, क्योंकि इट टेल्स यू कि जी मेरा फ्रेम क्या है एंड व्हाट इट इज़ अबाउट एंड ऑल इंफॉर्मेशन आई नीड इज ऑलरेडी हियर. ये भी ठीक है, बस इसमें सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंसी प्रेजेंटेशन इसके अगर नीचे लिखा होता तो I would enjoy it more. आपसे पहले जिसका मैं काम देख रही थी हसीब का था शायद, उसमें you know image size was 1/8 of your image size. तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि image बड़ी कर दें, because powerful images, bigger images leave a stronger impact. और ये image size अच्छा है. ये text आप left and right column के बजाय अगर इसके नीचे लिख देती तो you will have more space for your images. You have divided your space into three columns, जिसकी वजह से आपका image का size limited है. ये text अगर आप image के नीचे ले जाती हैं तो you could make your image even bigger. ठीक है, और ये Nike ये क्या word में किया आपने जिशान? Yes, ma'am, word में किया. हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि दिस इज सिमिलर टू अस्मास बट डन मैनुअली. ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ ये किया है कि इन्होंने सीन नंबर को फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ है. ऑल राइट, फाइन, इमेज के नीचे लिखना वुड हैव बीन फाइन टू. इस वक्त देखिए मैं टेक्स्ट ऊपर पढ़ती हूँ, फिर मैं इमेज देखती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट नीचे पढ़ती हूँ. So if you were writing scene number besides the other text, तो I would looking at the image and I will be reading the text. इस वक्त आपने three divisions की हुई हैं, first layer, second layer of image and third layer. I am looking at text, image, text. If you were putting all information underneath, I will be looking at image and text. Right now I am looking at text, image, text. You know what I'm saying? ठीक है, ठीक है, मैं देख रही हूँ टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट. आई वुड परहैप्स एंजॉय मोर इफ आई वाज लुकिंग एट इमेज एंड टेक्स्ट. ठीक है, तो ये दिस इज वेरी सिमिलर टू अस्मा बट डन मैन्युअली. और ये क्या है, दिस स्टोरी बोर्ड, लुक एट. ओके, अच्छा, इसमें भी वो ये लग रहा है कि इन्होंने फ्रेम साइज, आप देख रहे हैं इसमें
दिस परहैप्स लुक लाइक अ फिल्म फ्रेम साइज, शायद फिल्म में 35 mm होता है, 70 mm होता है, किसी ज़माने में 16 mm भी हुआ करता था. सो ये 35 mm, आई एम नॉट श्योर कि ये 35 mm है या उससे ज़्यादा है, लेकिन देख रहे हैं आप ये फ्रेम साइज मुस्तकिल चेंज हो रहा है. तो इट सीम्स के अम्मार प्रॉबली डिड नॉट अटेंड होल ऑफ लास्ट क्लास, तो उसको ये पता नहीं था कि फ्रेम साइज शुड बी consistent. वो कहीं बीच में कॉल ड्रॉप हुई और वट एवर वेंट रॉन्ग, सम हाउ ही डिड नॉट नो कि फ्रेम शुड बी ऑफ सेम साइज. ठीक है, और अदरवाइज इट सीम्स कि उसने इंफॉर्मेशन सारी डाली हुई है, बिकॉज एट प्लेसिस आई कैन सी कि ही सेइंग वॉइस ओवर्स इज डूइंग दिस, म्यूजिक इज डूइंग दिस. अब नवाजिश कुछ अपलोड किया है कि नहीं किया? जी मैम किया अपलोड. तूबा का हमने देख लिया, जहरा का रह गया, समरा का रह गया, और बस ये खत्म हो गए स्टूडेंट्स. मेरा इसमें नजर नहीं आ रहा. अभी हाँ, अभी कोशिश करते हैं, दोबारा देख लेते हैं आपका, क्योंकि मैंने, आप मौजूद नहीं थी तो मैंने इसलिए आपका खोला नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये मिस कर दिया थी, आपने मुझे स्टोरी बोर्ड का बताया था कि मैं नहीं थी, आई डोंट नो, बट मैंने अभी आपकी असाइनमेंट इसीलिए नहीं खोली थी कि यू वर नॉट हियर. अच्छा अब आप ये देखें कि ज़मरा आल्सो क्रिएटेड 3 कॉलम्स. व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर वाज दिस, व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर वाज समथिंग व्हाट अस्मा हैज डन. ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक खोला था जो किसी ने मैन्युअली किया हुआ था. जिशान. हाँ, जिशान ने मैन्युअली किया हुआ था, अस्मा ने सॉफ्टवेयर के थ्रू किया हुआ था, और अदनान हाशिम ने भी मैन्युअली किया. तो मैं आपसे ये कही थी कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने क्लास इंस्ट्रक्शन दी थी, वेदर मैन्युअली डन और वाया सॉफ्टवेयर, दीज आर द प्रेजेंटेशन दैट फॉलोड द क्लास इंस्ट्रक्शन. ठीक है, और ये जो है, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, बट आई सेड कि व्हेन यू क्रिएट 3 कॉलम्स यू रिड्यूस स्पेस फॉर योर इमेज, और एडवर्टाइजिंग जो है वो 3 घंटे की फीचर फिल्म नहीं होती. केस स्टडी वीडियोस एंड टेलीविजन कमर्शियल्स आर हार्डली 30 seconds टू 2.5 और 3 minutes लॉन्ग. दे आर नॉट 180 minutes लॉन्ग लाइक फिक्शन फिल्म्स और फीचर फिल्म्स. व्हेन यू आर डूइंग फीचर फिल्म एक्सेट्रा यू हैव लॉट्स ऑफ स्टेजेस इन प्रोडक्शन, जिसमें स्क्रिप्ट से आप मूव करते रहेंगे स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन पे, एंड देन यू विल मूव ऑन टू स्टोरी बोर्डिंग एंड अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स जो आप करेंगे. दिस कम समवेयर जहाँ पे आप सिंपल स्क्रिप्ट स्टेज से एडवांस कर चुके हैं. थोड़ी देर पहले आई शोड यू टेलीविजन स्क्रिप्ट ऑल्सो. I discussed park scene जिसमें people were doing different kind of exercises, जिसमें उसने कहा कि बच्चे जो हैं वो मछली को या चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं. You could add probably sound effects there. तो वो ज़रा different type of work है जिसमें आप 3 columns create करेंगे तो your work would become easier. आपने ये इस तरह submit कर दिया, perfectly fine, but instruction जो थी वो ये थी, right? जिशान, अस्मा और ये अदनान हाशिम ने जो किया वो मतलब एज पर इंस्ट्रक्शन है कि आप इमेज के नीचे लिखते हैं. तो ये आप लोगों ने जो कॉलम्स क्रिएट किए हैं इसमें भी आपको काफ़ी एफर्ट तो करनी पड़ेगी पुटिंग योर फ्रेम्स इनसाइड दीज बॉक्सेस. ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं कि जो शायद ऑनलाइन की वजह से इट्स लुकिंग के फ्रेम साइजेस कंसिस्टेंट नहीं है. फ्रेम साइज शुड नॉट चेंज, फ्रेम साइज चेंज नहीं होता. दिस इज ऑल्सो गुड. ये किसका है? ज़हरा. ठीक है. यस मैम. को आपने सिर्फ यही किया है, वही टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट किया हुआ है, बट स्टिल इट्स फाइन बिकॉज आई कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ओके सीन 1 2 3 4 आपने किया हुआ है.
ओके तो अगर आपने सीन 1, 2, 3, 4 ऊपर ना भी लिखा होता इट वुड हैव बीन ओके. आई कैन सी कि ये सारे जो हैं वो फ्रेम साइज इस अगर आप सीन डिस्क्रिप्शन की हेडिंग ना भी देती तो हेडिंग वाजंट एसेंशियल बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर डिस्क्रिप्शन अंडरनीथ दैट यू कुड गिव विदाउट गिविंग इट द हेडिंग ऑफ सीन डिस्क्रिप्शन. ये आपने बोल्ड कर दिया, ये आपने प्लेन टेक्स्ट. यस मैम ये एंड में रह गया था मेरे से, मैंने बाद में जब पीडीएफ भेजी थी बाद में मैंने इसको गौर से देखा था, मैंने कहा चलो ठीक है. चलें कोई बात नहीं, मैं आपसे कही थी कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए. यस मैम. और चूंकि इमेज के नीचे व्हाट यू हैव रिटन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन सो यू डोंट नीड टू गिव द हेडिंग ऑफ सीन डिस्क्रिप्शन. ओके ठीक है, तो मैं आपसे ये कही थी बट दिस इज परफेक्टली फाइन. ये जस्ट लाइक जिस तरह जिशान ने मैनुअली किया आपने भी मैनुअली किया. यस मैम. बट दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. ठीक है ओके मैम थैंक यू. ओके अब ये है, ये मुझे लग रहा है कि मदीहा स्टोरी बोर्ड कहाँ है. आई डोंट सी द स्टोरी बोर्ड. इसी पेज पे मैम नीचे एक ही डॉक्यूमेंट. अच्छा ये है, आपने भी कॉलम्स क्रिएट कर दिए ना. You created columns and in your columns you are also writing duration वगैरह. It is useful for you to know कि this scene lasted 20 seconds and the next scene lasted 3 seconds only, right? ये आपके लिए अच्छा है कि if you were directing or producing or writing this script, you would know कि अच्छा this part would last longer and this part would be smaller, ठीक है? बेसिकली मैम ये स्लाइड्स ही थी ज्यादा, इसमें ऐसे कोई विजुअल्स यू नहीं थे, बस स्लाइड्स आ रही थी जा रही थी. व्हाई इज दिस फ्रेम वाइट. मैम वो थोड़ा वर्ड में किया था और मैंने सुबह किया था बिकॉज़ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या कर दिया आपको. इट सीम्स कि दिस सीन वाज नॉट नीडेड. व्हाट सक्सीडेड एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी faded as a PR basically. जो मैंने इससे पहले लाइक फिल्म में जो किया हुआ था तो उसमें लाइक अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा उससे ये होता है कि जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो पूरा सीक्वेंस पता होता है कि कहां पे टेक्स्ट आ रही है क्या चीज. What I am saying, this is an image. What is written here is not an image. आपने you dedicated your left column to the images. जब आपका लेफ्ट कॉलम कंटेन्स इमेजेस सो देयर शुड ओनली बी इमेजेस इन द लेफ्ट कॉलम अंटिल टेक्स्ट अपीयर्स एज एन इमेज. देयर वर केस स्टडीज जिसमें टेक्स्ट वाज अपीयरिंग ऑन स्क्रीन. अस्मा वाले में वी कुड सी बोथ टेक्स्ट एंड इमेज इन वन फ्रेम. ठीक है तो चूंकि आपको इसमें नजर आ रहा था टेक्स्ट एज वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ द इमेज, मैंने अस्मा का बंद कर दिया. बट हर फ्रेम्स शोड text as part of the image, के उसके केस में text and image were together. इसमें था नहीं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो सिर्फ text आ रहा था. तो आपने यहाँ पे ये कहना था actually यहाँ पे कि text appears on screen. ठीक है आपने सिर्फ लिखा है text with voice over. Text appears on screen with voice over. ठीक है The only thing I would say कि जब आप दो कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो आपकी इमेज वुड बी स्मॉलर. जब आपने दो कॉलम्स नहीं क्रिएट किए यू कैन सी कि ये दिस द इमेज पार्ट इज मच बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. अदनान हाशिम से मैंने कहा कि गिव मोर स्पेस टू द इमेज एंड मेक टेक्स्ट इवन स्मॉलर. डोंट यूज फॉन्ट साइज 16, यूज फॉन्ट साइज 12 और 13 मैक्सिमम underneath the image so your image remains the most powerful part of the presentation. sahi theek hai visual medium hai na theek hai so in visual medium aap usko zyada se zyada strong kare. jaise you are making 2 3 4 columns you are making your image smaller, you are opting for a smaller image, opt for a bigger and powerful image. okay ma'am theek hai ma'am please meri bhi feedback de de mera bhi rehta hai. मैम शुमाइला का भी रहता है. मैम संदेश सानिया साउथ नदीम का भी. कुछ ऐसे थे जिनमें फाइल मौजूद नहीं थी, अपलोड नहीं हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैंने उनको बंद कर दिया. शुमाइला इन तीनों में से कौन सा है स्टोरी बोर्ड.
मैम ये वाला है. अच्छा, यू हैव पुट 8 फ्रेम्स ऑन अ पेज. आप देख रही हैं मैम, दे नॉट 8 फ्रेम्स, दे आर 4 फ्रेम्स. 8 मुझे इस वजह से लिखे बिकॉज द साइज ऑफ टेक्स्ट फ्रेम इज सेम एज द साइज ऑफ द इमेज फ्रेम. ऐसे ही है. यस मैम. इफ यू गो बैक टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन लास्ट क्लास, ये आपका वीडियो है जिसमें दिस वीडियो हैज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लास्ट क्लास एंड इफ यू वर प्रेजेंट फॉर द होल ड्यूरेशन इन द लास्ट क्लास. मैंने स्पेशली ये कहा था, आई सेड इट, यू विल फाइंड इट इन द वीडियो, कि अंडरनीथ द इमेज जस्ट लीव 1-2 mm स्पेस, यू नो, विच इज गुड एनफ. क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी सी जगह में यहाँ पे खत्म कर देना था टेक्स्ट, राइट, द टेक्स्ट विच इज मोर रेलिवेंट टू द इमेज. तो आई सेड के प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. इस वक्त आपका फ्रेम एंड टेक्स्ट साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, विच गिव्स द इम्प्रेशन कि यू क्रिएटेड 8 फ्रेम्स ऑन अ पेज वाइल देयर आर ओनली 4 फ्रेम ऑन अ पेज. ठीक है, दिस इज वाइडर कॉलम राइट वाला, लेफ्ट वाला कॉलम इज नैरोअर. आपको ये नज़र भी आ रहा है कि दिस फ्रेम इज बिगर. इन दोनों की हाइट एक जैसी है, बट द फ्रेम ऑन द राइट इज वाइडर एंड द फ्रेम ऑन द लेफ्ट इज नैरोअर. तो इम्पॉर्टेंट ये था कि यू रियलाइज के फ्रेम साइज इज सेम एंड फ्रेम साइज इज कंसिस्टेंट. तो आपके लेफ्ट कॉलम के फ्रेम साइज एक जैसे हैं, राइट कॉलम के फ्रेम साइज एक जैसे हैं, बट फ्रेम्स इन द लेफ्ट कॉलम आर स्मॉलर देन द फ्रेम्स दैट वी सी इन द राइट कॉलम. ठीक है, उसमें सो द वर्क इज फाइन. एटलीस्ट मैं देख सकती हूँ कि यू आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस एंड टेक्स्ट पार्ट एक्सेट्रा. ठीक, दिस इज स्टिल अ डिफरेंट एग्जाम्पल. ये ठीक है सानिया? Is she here? Yes, ma'am, I am. सानिया, देखें ये आपने लेफ्ट लाइन किया टेक्स्ट एंड इमेज. जी. राइट साइड पे इमेज के बाहर ना जाती. यू कैन सी के ये थोड़ा सा ज्यादा है. और अगर मैं टेक्स्ट यहीं तक लिख रही होती तो व्हाट आई वुड डू कि आई वुड मेक दिस इमेज इवन बिगर. So if the image was bigger, the text would be within the limits that are set by the image. कि अगर आपका ये फ्रेम बड़ा हो जाता, यहाँ तक हो जाता, तो आपका पूरा टेक्स्ट जो है, the text would be under the frame if the frame was bigger. ठीक है, अगर आपका फ्रेम और बड़ा हो जाता तो सिर्फ टेक्स्ट उसके अंदर होता. बट दिस फॉर्मेट इज फाइन. आई हैड सेड SC1, SC2 वुड बी सफिशेंट. आपने सीन 1-2 लिखा हुआ, सीन इज ऑल्सो फाइन, बट एब्रीविएशन में हैव वर्क्ड एज वेल. ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस प्रेजेंटेशन. सिर्फ ये कि आपका टेक्स्ट जो है इट्स ब्लीडिंग आउट. आई फिक्स इट. गुड. ये किसका है जी? सुंदस का. अच्छा, अब सुंदस जो है, शी इज मूविंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आप देख रहे हैं. लेकिन लेफ्ट राइट में व्हाट वी नीड टू सी इफ द फ्रेम साइज इज कंसिस्टेंट. डज इट लुक कंसिस्टेंट? आई थिंक इट डज. ओके, इफ इट इज कंसिस्टेंट, गुड. और यू हैव ऑप्टेड फॉर लेफ्ट राइट फ्रेम्स. Sometimes people do this in storyboarding, ke they opt for, you know, like aapne ye left pe likh diya, phir aapne right pe likh diya. People do it at times. Theek hai? This is different from what I had said, but this is fine too. Or again, aapne frame to frame, frame aapne diya hua hai. So that wasn't essential, but what you guys need to see is ke now that you have seen the work submitted by yourself and other people in Google Classroom, you have seen everybody's work, right? So you can see ke you can compare your presentation style with the presentation style of one of your class fellows, and you can also see ke if his or her और माई स्टाइल इज बेटर. ये अगेन सऊद, आपने वही 3 कॉलम स्टाइल यूज किया है. आई ऑलरेडी सेड कि इफ यू यूजिंग द लैंडस्केप फॉर्मेट यू हैव मोर स्पेस, बट इफ यू आर यूजिंग प्रोफाइल फॉर्मेट आपके पास इतनी जगह नहीं होती कि आप उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करें.
और जो मैंने मांगा था दैट वाज मच सिंपलर एंड वी हैव सीन सर्टेन प्रेजेंटेशंस जिसमें प्रेजेंटेशन स्टाइल इज बेटर. In advertising, presentation style really matters. It matters how you are presenting work to your client. In professional work, it should look very powerful. Powerful means ke aap image ko maximum space de dein, especially if there is something very powerful inside the image. It will communicate better if you have used the image of a bigger size. Theek hai? Some storyboards had images of smaller sizes. तो मैं आपसे कही थी कि image should be powerful and bigger. जी, बताइए. मैम, मैं कह रही थी कि अब हमने जो submit करवा दिया, अब हम उसको उसको changes करें या फिर next assignment पर improvement करें, तो अब क्या करें? I wonder कि आपके पास sound delay के साथ जा रही है. That is the reason you are speaking together. तो आप क्या कह रहे थे? जी मिस, उधर ऐसा होता था कि हम जो डायरेक्शन है जो आपने अपनी वीडियो बनानी है उसके रिगार्डिंग उस पर ज्यादा फोकस करवाया जाता था. अभी तक हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि जो हम अपनी वीडियो बनाएंगे या शूट करेंगे उसकी डायरेक्शन और कंटेंट हम अपनी केस स्टडी में से कैसे जनरेट करेंगे. ओके, आपका ये क्वेश्चन है एंड लेट मी टेक द अदर क्वेश्चन एज वेल. मैम, मैं अलैना बोल रही थी. मैं कह रही थी कि अब हमने इस असाइनमेंट में चेंजेस करके दोबारा अपलोड करें या फिर नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए इंप्रूवमेंट कर ले हम लोग और इसको ऐसे ही रहने दें. ऑलराइट अलैना, if you want to improve, because somebody asked me earlier if he could upload a new version, so I allowed the student to upload the new version. I said don't remove the storyboard that you have uploaded earlier, just upload your new version. Theek hai? So some people created storyboards in columns which are acceptable, but I did not ask के क्रिएट स्टोरी बोर्ड्स इन कॉलम्स. मैंने बहुत एक सिंपल सी चीज़ मांगी थी. आई वॉन्टेड टू सी अ पावरफुल इमेज एंड आई वॉन्टेड टू सी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज अंडरनीथ द फ्रेम. ठीक है, तो मैं चाह रही थी कि मैं बहुत बड़ी इमेज देखूँ. आई लुक एट अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमेज एंड अंडरनीथ दैट इमेज आई जस्ट रीड वॉट दिस इमेज इज अबाउट एंड वॉट वॉइसिस वुड बी हर्ड इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. When people create columns, it makes it difficult to see image in larger size. ठीक है, advertising is about very powerful images. क्योंकि advertising concepts, TVCs and case study videos are of short duration. So it is very important के you present them well. Present them as strong images with some small text written underneath. जो उसका जिशान का था उसको आई सजेस्टेड प्लीज रिड्यूस द फॉन्ट साइज बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू सी मोर वाज द फ्रेम. ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आ गया. आपने अगर उसको अपडेट करना है तो आप उसको अपडेट कर दें. मैं बस ये कह रही थी कि अगर मुझे फीडबैक मिल जाता ना. या आई हैव गिवन एवरीबॉडी फीडबैक राइट नाउ. नो मैम, ऑन द डिस्क्रिप्शन, ऑन द कंटेंट, बिकॉज़ आई डोंट नो कि मैंने डिस्क्रिप्शन सही लिखी है या कंटेंट में मुझे क्या ऐड करना चाहिए था. तो अगर मुझे वो भी इस तरह से मिल जाता है ना तो फिर आई वुड हैव इंप्रूव्ड. See, I have to check work of students in three different classrooms. I have to check work of thesis students and I have to check work of PhD student. While I was talking to you, a PhD student was calling me non-stop, so it would be difficult. You know, sometimes students keep sending me requests. I keep looking at their assignment every now and then. It makes it very difficult for me to check and recheck and recheck assignment because I have to check work of other students as well. ठीक है, so it would be difficult for me. I give you feedback on the descriptions and you do the descriptions once more. Now what you have to do, I would suggest that each one of you writes a script for your own case study. Now that you have seen how script is written for different case study videos, you should know that there was information in your case study papers
which is partly not needed for the video part. Video may you'll be showing only the necessary bits, something that communicates your case study paper as case study video of only 1 to 3 minute duration. If you see the instructions, मैंने आपसे clearly कहा है कि write copy of 1 to 3 minute duration only. आपके minimum duration should be 1 minute, maximum duration should be 3 minutes. I suggested do not exceed these limits. You should know how to present your work in short time. Advertising is about presenting stories in short time. Sorry, ma'am, to cut you out. इसी script का ही part जो पूछ रहे हैं पूछने लगी हूँ जो copy जिस तरह हमने आपको पहले Asma, please. I will come back to your question. Please don't feel कि मैंने आपका question नहीं सुना. I was trying to introduce you to this YouTube channel. आप देख रहे हैं ये YouTube channel. इसके नीचे it says School of Media and Mass Communication BMU. ऐसे ही है. I will be posting two links of YouTube channels in Google Classroom. I suggest you subscribe to both for now until your course finishes. ठीक है? When you click School of Media and Mass Communication BNU Pakistan, do you see here is a list of videos? And these are some of the case studies done by your senior students. आप देख रहे हैं? What I did, somebody had asked me last time what senior students did. So we have uploaded work of your senior students here. So those students had also written case study papers. For instance, ये है ये है और इट्स नॉट शोइंग ऑल ऑफ देम बट आई अपलोडेड आई थिंक प्रोबेबली 12 केस स्टडी वीडियोस डन बाय योर सीनियर स्टूडेंट्स ठीक है 2010 में लॉर्ड्स का मैदान पाकिस्तान की क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग की जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 खिलाड़ियों मैं अच्छा बस लास्ट क्वेश्चन है See this. This is the work of your senior student, or the case study video opens with the problem. ये सिर्फ ये कह रहा है कि in 2010 Pakistan Cricket Board was stuck with spot fixing scandal. ठीक है? उसके बाद this video only shows what Cricket Board did to improve its image. So these three players were banned and these were the conferences in which Cricket Board prepared plans for improving its media image or contacted media professionals to prepare soft news like this and what they did online, what they did on YouTube and other social media channels to improve their image. So you can see ke what this video is showing in terms of improving image which was injured or which had become bad because of spot fixing scandal theek hai ma'am ahmed baat kar raha hu main puchna chahunga ki assignment 3 mein key performance indicator kya hoga jaise assignment 2 mein mujhe pata chala ki frames wagera ka aur as a presentation as a whole bada matter kar raha hai to ma'am assignment 3 ke liye aap kya koi pro tip bataye jo hum usme matlab ki use kar sake achhi video ke liye Take assignment 3 as an advanced stage of assignment 1 and assignment 2. Had we started assignment 3 directly, if we had made assignment 3 assignment 1, it would be difficult for you to, you know, even know the facts that are needed for making the case study video. Assignment 1 was about writing the case study, theek hai? And assignment 3 is about extracting your text from assignment 1. Ji ma'am. Theek hai? You have to use assignment 1 for writing copy of assignment 3.
you cannot use everything which is there in case study paper. Aapko chahiye, you must know what you were doing, why you were doing, where you were doing, and when you were doing. You know, aap, if you are familiar with, in a way, 5 W's of media, so aap isme, you are just saying ke in terms of image making, in terms of improving the image, what you are required to do, aap logo ne phir kya kiya, what was your marketing strategy, what were the channels you had selected, what were your creative plans, and what were the achievements through different channels used. So aapki jo headings thi, aapki assignment 1 ki, there were certain headings. Ji ma'am. Theek hai? You just pick up key ideas from those headings. ठीक है, की आइडियाज उठाएं, बेसिक फैक्ट्स उठाएं, सो यू हैव रिटन द कॉपी. जी मैम, जिसने वीडियो बनाई है सीनियर की, उसका स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है ताकि हम एक दफा देख के आइडिया ले सके. अस्मा, किस वीडियो की? अभी जैसे आपने दिखाई है उसकी क्रिकेटर्स वाली, फॉर इंस्टेंस दैट वीडियो, इट मस्ट हैड अ स्क्रिप्ट ना, तो वो स्क्रिप्ट आपसे पहले प्रूव हुआ होगा. तो वो स्क्रिप्ट अगर हमें उस फॉर्म में मिल जाए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये आपका मतलब है कि हम बस वो सुन लें और उसी तरह हम. अस्मा, आपने असाइनमेंट 2 में यू हैव लुक्ड एट वर्क प्रोफेशनल्स. यस मैम. ठीक है, आपने प्रोफेशनल काम देखा, तो यू आर आस्किंग फॉर स्टूडेंट वर्क राइट नाउ. केयरफुली लुक एट असाइनमेंट 2 राइट टुडे. यू हैव सीन कॉपीज जो कि आपके फेलो स्टूडेंट्स ने लिखी, कॉपीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वीडियोस दैट आर पोस्टेड इन गूगल क्लासरूम. यू हैव आल्सो सीन स्टोरी बोर्ड्स सबमिटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. यू डोंट हैव टू सी द कॉपी रिटन बाय अ फेलो स्टूडेंट और अ सीनियर स्टूडेंट, बिकॉज व्हाट यू सबमिटेड टू मी टुडे वर प्रोफेशनली रिटन कॉपीज फॉर द केस स्टडी वीडियोस. ऐसा नहीं है, आपने मुझे प्रोफेशनली रिटन कॉपीज सबमिट कर दी फॉर द केस स्टडीज वीडियोस. जो प्रोफेशनली रिटन कॉपीज हैं, दे आर डेफिनेटली बेटर देन समथिंग व्हिच इज रिटन बाय समबडी एल्स. सी द कॉपी इज ऑलरेडी हियर, ये जो नीचे लिखा हुआ है, द कॉपी इज ऑलरेडी हियर. ठीक है, यहाँ पे द कॉपी इज ऑलरेडी हियर एंड द वीडियो प्रपोजल इज ऑल्सो हियर. ठीक है, इसके लिए भी somebody must have written a case study. Case study requires research, जो आपने पेपर के फॉर्म में लिखी. अगर आप डायरेक्ट वीडियो प्रपोजल बना रहे होते तब भी आपको रिसर्च करनी पड़ती. राइट नाउ बाय राइटिंग केस स्टडी पेपर्स यू हैव क्रिएटेड ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च. नाउ लुक एट योर ऑर्गेनाइज्ड वर्क और उस ऑर्गेनाइज्ड वर्क में से एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन दैट यू कैन use for creating a case study video. Ma'am, I do get it. Actually, is particular assignment mein humne reverse kiya hai. Matlab we had the case study video and we did the copy. Aur iske andar hume copy likhni hai extracting through our jo pura humne case study written form mein likhi hui hai. So video mein banana kya cheez. Pehle hum reverse nahi kar rahe the, pehle hum seedhe seedhe ja rahe the. Right? If you have noted, मैंने assignment 2 को assignment 3 कर दिया, because yes, ma'am. आपके लिए सीधे जाने में after collecting your data and writing your case study papers, you found it difficult to write copy. ठीक है, तो उसकी वजह से I ended up introducing something which was case study video, and all the videos had copy and productions. ठीक है, आप वीडियो देख रहे थे ना, दे वर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. केस स्टडी पेपर्स जो थे या केस स्टडी रिसर्च वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज वीडियोस. ठीक है, तो अब मैंने आपसे ये कहा कि आप असाइनमेंट 1 आप लोगों ने की. इन असाइनमेंट 1 यू ऑलरेडी हैव कलेक्टेड ऑल द डेटा दैट यू नीड अबाउट योर स्पेसिफिक ब्रांड और व्हाट इज लाइक मदीहा के केस में मदीहा ऑप्टेड फॉर शौकत खानम कैंसर सेल्फ स्क्रीनिंग कैंपेन एक्सेट्रा. तो यू ऑलरेडी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. आई एम सेइंग जस्ट ओपन योर एसे इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाईलाइट व्हाट
from the essay you can use for creating a copy for a case study video, and what from your essay you can use for creating a storyboard of your case study video, and how you will create case study video from your particular case study paper. Theek hai? Step two, we introduced, so you would know ke from paper, from here, from assignment one to assignment three, what you are supposed to do. If you go through this, you would know exactly what you are supposed to do. Maine aapse kaha tha, share a coke ke case mein we have both. Share a coke case study written in the form of paper, and we have video created as a share a coke case study video. Theek hai? Dono cheeze hain. तो आई सजेस्ट के स्टूडेंट की कॉपी आपको नहीं चाहिए. एक तो कॉपी इज ऑलरेडी देयर इन द वीडियो. सेकेंडली इट वुड बी बेटर के यू राइट योर ओन कॉपी यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन केस स्टडी. मैम सो बेसिकली वी हैव टू सबमिट द कॉपी. अदनान हाशिम प्रेजेंट. एहसन ताहिर. सेना परसल. सानिया प्रेजेंट. अस्मा मैम. अरसल जी मिस. मैम आपने मेरी लगा दी है लेना की. अस्मा मैम. फैसल हियर मैम. हसीब. मदीहा. यस मैम. अहमद हफीज. प्रेजेंट मैम. अम्मार. काजिम. नौरेज. प्रेजेंट. जिशान. प्रेजेंट. मुजना. प्रेजेंट मैम. रुबाब. प्रेजेंट मैम. सानिया. प्रेजेंट. सऊद. शहीर. प्रेजेंट मैम. शहीर प्रेजेंट. यस मैम. शहीर हमने आपका काम ही नहीं देखा आज. आप देखा हमने आपका काम. नहीं मैम मेरा आपने प्रेजेंटेशन नहीं ओपन की. हैड यू अपलोडेड स्टोरीबोर्ड. यस मैम. यस मैम. यस मैम. वैसे तो टाइम खत्म हो गया बट आई विल ट्राई लुकिंग एट इट. ऑलराइट मैम. शारफा. शमाइला. प्रेजेंट. सुंदस. प्रेजेंट. नवाजिश. प्रेजेंट मैम. तूबा. यस मैम. जहरा एंड जमरा. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट. फिलहाल लगा रही हूँ बट मेक श्योर everybody to be present. ठीक है मैम. another thing जी मैम, since हमारे next week mids की submissions हैं तो आप इस assignment में थोड़ी सी extension दे दें. किस चीज की submission है मैम? IMC की. और हमारे mids अभी बाकी हो रहे हैं, मतलब जो कि next week में आपका मिल हुआ है. यस मैम. 3 प्रोजेक्ट है मैम next week के लिए. एक तो आपका अभी कल submit हो जाएगा. जी मैम. मैम उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का है और IMC का है. वेडनेसडे वाले दिन ही ड्यू है. ऑलराइट आई विल लुक इनटू इट के मैं अगर उसकी डेट चेंज करूंगी तो आई वुड सजेस्ट थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ स्टोरीबोर्डिंग केस स्टडीज की कॉपी. तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना उसके लिए. आपको रिसर्च तो करनी नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन योर केस स्टडी पेपर. तो आपने केस स्टडी पेपर को खोल के उसमें से यू विल बी एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर केस स्टडी पेपर. आपका रिसर्च पार्ट नहीं रिक्वायर्ड है और इसको यू शुड कंटिन्यू डिवेलपिंग ताकि हम इसको किसी फॉर्म में आगे जाके क्रिएट कर सकें. ठीक है. तो आई लुक इन टू इट के इफ आई नीड टू मूव अ बिट फॉरवर्ड और दैट वुड डिपेंड ऑन हाउ मेनी वीक्स वी आर लेफ्ट विद बिकॉज सेमेस्टर क्लोजर हैज अ डेडलाइन. तो बाई डेडलाइन वी शुड बी कम्प्लीटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क. मैं उसको देख लूंगी. इफ देयर इज सम स्पेस तो फिर आई विल लुक इन टू चेंजिंग द डेट. ठीक है मैम. आपसे रिक्वेस्ट है काफी, आप प्लीज देखिएगा इस मामले में.
all I need to see I how many weeks are left for completing this course. ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर स्पेस हो तो I will definitely readjust it. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.